اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انزل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا एलोग जो ईमान लाए हो वो पाकिजा चीजें हराम मत ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं और तुम हद से ना गुजरो बेशक अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता यानी अल्लाह ताला ने जो हलाल किया है उसको भी अपने ऊपर हराम नहीं कर लेना चाहिए बाज़ मजाहिब में इवन ओढ़ना पहनना जो है उसको भी छोड़ दिया गया जैसे बुद्धिज्म है जैसे जैनिज्म है इस तरह और इवन हिंदुज़म के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि सबसे जो ज़्यादा पार्टी का एक अंदाज है वो साधुओं का होता है कि वो अपने सारा जो लिबास है सिवाए एक अपना सतर ढाँपने के सब कुछ उतार देते हैं तो अल्लाह व सुबहानी ने हमें इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया बल्कि हमारे लिए जो हुक्म है वो ये है कि अपनी ज़ीनत इख्तियार करो आगे सूरत आराफ़ में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताली ने लिबास बायदा बतौर नमत हमारे लिए नाजिल फ़रमाया है तो अल्लाह ताली इस बात को पसंद नहीं करता कि पाकिज़ा चीज़ें हराम कर ली जाएँ अपने ऊपर और ना ही हराम को हलाल करने को पसंद फरमाता है और अल्लाह ने तुम्हें जो हलाल पाकीज़ा रिस्क दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा लेकिन उन कस्मों पर ज़रूर पकड़ेगा जो तुमने मजबूत मान ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम में से कोई अगर ऐसी कसम को पूरा करने पर इसरार करे जिससे उसके अहल को नुकसान होता हो तो वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा गुनागार है बजाय इसके कि वो ऐसी कसम तोड़ दे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसका कफ़ारा अदा कर दे तो कस्मों को तीन किस्म में नबी अलैहि वसल्लम ने डिवाइड करके हमें बताया है एक वो है कि जो लग़ कस्में हैं जिनके बारे में ये है कि अल्लाह ताला उनसे कोई पूछेगा नहीं कोई पकड़ नहीं करेगा लाख ला बिल्वी फ़ी ऐमानी लेकिन इसमें यह है कि जैसे कोई आपकी जो अंदाज़े बयान है या आपका जो बोलने का तरीक़ा है उसके अंदर आप कसम से मैंने ये कहा कसम से मैं डर गई कसम से मैं तो बड़ी ही खुश हुई मतलब इस तरह की जो ये ये कस्में हैं कि जो आपकी गुफ्तु का हिस्सा होती हैं तो इन पर अल्लाह ताला मुआवजा नहीं करते कि अगर आप डरे थे और आपने कसम खाई तो फिर तो ठीक है और अगर आप उतना डरे ही नहीं थे और आपने कसम खाई तो क्या फिर आपकी झूठी हो जाएगी तो अगर ऐसे अल्लाह ताला पकड़ने लगे तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही सख्ती हो जाए तो अल्लाह सुबहानी की ये रहमत है कि वो इस तरह से अपने बंदों को इस इस तरह की लगव कस्मों पर नहीं पकड़ते बहरहाल हाल आपकी जो गुफ्तु है उसमें कसम की वोकेबलरी जो है वो अल्फाज कम होने चाहिए लेकिन इन पर पकड़ नहीं है और वो कस्में जो मज़बूत बांधी मन्दा वो कसमें जो मज़बूत बांधी उनको पूरा करना ज़रूरी होता है और उनको अगर पूरा ना करें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान ने एक कसम खा ली कि मेरे अपने भाई से लड़ाई हुई है और आज के बाद मैं सारी ज़िंदगी इसके घर नहीं जाऊंगी गुस्से में आकर कसम खा ली तो उस कसम को अब एक तो ये कि वो क़त रहमी की कसम है अब वो पूरी नहीं करनी चाहिए ठीक है जो मैंने हदीस आपको सुनाई उसकी रूह से पता चलता है कि उसको पूरा नहीं करना चाहिए तो उसको फिर तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसका कफारा देना है और कफारा अल्लाह सुबहाना ने हमें कुरान हकीम में बता दिया और वो क्या है चुनानचे उसका कफ़ारा दस मस्किनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलोल को खिलाते हो या उन्हें कपड़े पहनाना है या एक गर्दन आज़ाद कराना है फिर जो उसकी ताकत ना रखता हो तो वो तीन दिन के रोज़े रखे ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम कसम खाकर तोड़ बैठो और तुम अपनी कस्मों की हिफाजत करो अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो और फिर एक तीसरी तरह की कसम है जिसको ग़मूस कहते हैं और गमूस का मतलब है डबो देने वाली कि ऐसा फ़ेल कि जो इंसान को दबो दे यानी इतना वो बड़ा गुनाह है और वो है झूठी कसम खा लेना कि एक काम किया है लेकिन कसम खा के कह देना कि मैंने ये काम नहीं किया या नहीं किया तो कसम खा के कह देना कि हाँ मैंने ये काम किया है तो ये कसम गमूस है यमीन गमूस है और इसका कफ़ारा कोई नहीं है ये गुनाह ही कबीरा है और ये नदामत से और तौबा करने से इसका गुनाह हटेगा वरना नहीं हटेगा यादीना आमनुनमरम सरुल वाल उल अजलामू रिजुमिन अमलैतान फ़ज तनिबूह तुफली एलोगो जो ईमान लाए हो बेशक शराब और जुआ आस्ताने और फाल निकालने के तीर सब गंदे काम हैं और शैतान के अमल से हैं लिहाजा तुम इनसे बचो ताकि तुम फला पाओ अब ये हतमी हुक्म आ गया शराब की ख़मर की और मैसर की हरमत का के जो हमने पढ़ा था कि सूरतलबकर में यस अलूना का अनिलमरी वमसर ये आपसे ख़मर और मैसर के बारे में पूछते हैं तो इनको बता दो कि इनके अंदर गुनाह भी है और नफ़ा भी है और इनका गुनाह इनके नफ़ा से कहीं ज़्यादा बढ़ कर है फिर सूरत में इतनी सी बात फरमा दी गई कि जब तुम नशे की हालत में हो ला तरबलाता व अन तुम सकारा जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी ना जाओ यहाँ तक कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कह क्या रहे हो ये दूसरा हुक्म था तीसरा अब ये हुक्म है तदरीज के साथ ये अल्लाह ताला की रहमत है कि फौरन उस चीज़ को हालांकि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है शराब और जो इंसान की अकल के साथ वो मामला करती है और अच्छा भला एक डिसेंट इंसान इंसान उस वक्त ऐसे हो जाता है कि ना उसकी तरफ़ देखने को दिल करता है ना उसके मुंह से ऐसी बातें निकल रही होती हैं कि जिसको ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है फिर इसी तरह से घरों में लड़ाई झगड़े इसकी वजह से होते हैं तो इसको सूरतम में अल्लाह सुबहान हतमी तौर पर मना फरमा दिया इब्न अब्बास रदील आनुमा फरमाते हैं कि रसोल्ला सल्ला वम ने फ़रमाया शराब से बचो यह हर बुराई की चाबी है उम्मिल्क़बाइस भी कहा गया है इसको अब सैद खुदरी रदी से रवायत है कि मैंने रसोल्ला सल्ह्व वसम से मदीना में एक ख़ुतबा सुना आप सल्ह वसलम ने फरमाया लोगो अल्लाह ताली शराब की हरमत का इशारा करता है शायद इस बारे में अनकरीब कोई हुक्म नाजिल करेंगे जिसके पास इसमें से कुछ हो तो चाहिए कि वह उसे बेच दे और उससे नफ़ा उठा ले यानी जब तक हराम नहीं हो जाती हम चंद दिन ही ठहरे थे कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया है तो जिस शख्स को ये आयत पहुंच जाए और उसके पास शराब में से कुछ मौजूद हो तो ना पिए और ना फरोख्त करे अब्दुल्ला बिन आमिर बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब ख़बासतों की जगह है जिसने शराब पी ली चालीस रोज़ उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी वो आदमी जाहिलियत की मौत मरेगा जिसके पेट में मरते वक्त शराब होगी अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त अनस बिन मालिक रदान फरमाते हैं कि अबू तलहा अंसारी के घर पर कुछ लोग जमा थे साहबा कराम और मैं उन लोगों को शराब पिला रहा था और उस वक्त बाहर उनके घर की दीवार के बाहर से किसी ने पुकार कर कहा के लोगों शराब हराम कर दी गई है और जिसके मुंह में थी उसने कुल्ली कर दी जिसके हाथ में थी उसने बहा दी और सब वज़ू करके और कोई परफ्यूम छिड़क के तो ये सब मस्जिद नबी चले गए और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात तिलावत कर रहे थे और उसके बाद फिर लोगों ने मदीना में जिन के पास कोई घड़ों में थी मटकों में थी जिनका कारोबार था जिनका ज़रिया मुआश था उन्होंने भी उसको बहा दिया और कहते हैं कि लेटर ऑन कितने अरसे तक मदीना में बारिश होती तो उसकी मिट्टी के अंदर से शराब की स्मेल आती इतनी तादाद में शराब बहा दी गई थी जब यह हुरमत का हुक्म आया अब एक और चीज़ भी याद रखनी है कि क्लु मुस्करन ख़मर वकुल्लु़मर हराम ये उसूल है जो हमें दिया गया है कि हर नशा आवर चीज़ भी ख़मर के मानी में आएगी ख़मर के ही हुक्म में आएगी ठीक है और हर ख़मर हराम है तो इसमें हर किस्म की जो ये ड्रग्स हैं जो उस ज़माने में नहीं थी और अब इस ज़माने में हैं और शराब से तो इंसान इंस्टेंटली या बाज़त कई लोग होते हैं कि जो सारी ज़िंदगी पीते हैं और उनकी सेहत ठीक ही रहती है और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना गो इसके बहुत से जिस्मानी नुकसान हैं लेकिन कई लोगों को नहीं भी होते और वो इसी ख़ाम ख़्याली में रहते हैं कि हम तो इतना इस्तेमाल ही नहीं करते कि हमारी सेहत ख़राब हो बहर हाल लेकिन आज कल जो ड्रग्स हैं वो नशे के साथ साथ इंसान को मौत के मुँह में ले जाती हैं बाज़ात तो चंद महीनों के अंदर ले जाती हैं चंद सालों के अंदर ले जाती हैं नौजवान दुनिया से चले जाते हैं मुझे एक दफ़ा किसी ने बताया था कि एक जगह पर किसी चौक में किसी टाउन में तीन चार नौजवान लड़के जो हेरोइन एडिक्ट थे वो बैठे हुए और सब के वो किसी एक के पास वो इंजेक्शन था और वो इतनी शदीद वो उस विड्रॉल के उसके अंदर थे कि एक ने ख़ुद को लगाया तो वो इंस्टेंट उसकी वहाँ डेथ हो गई और जो दूसरा वहाँ पे बैठा हुआ था ना एक तो उसने कहा कि ये तो मर गया ये बाकी की मुझे लगा दो यानी उसकी तलब इतनी ज़्यादा थी कि उसको इसकी बात की भी फिक्र नहीं थी कि ये मर गया तो मैं भी मर सकता हूँ ये इस तरह इंसान को बेबस कर देते हैं ये नशे और इन्हीं नशों की हालत में इंसान कई दफ़ा ऐसी बातें कहता है वालदान के साथ या कई दफ़ा ऐसे फ़ैसले कर लेता है कई दफ़ा ऐसी हरकतें कर जाता है कि जो इिवर्सिबल होता है जिनका नुकसान तो अल्लाह सुबहान के हमारी जो शरीय के मकासद हैं उनमें अक़ल की हिफाजत भी मकसद शरिया में शामिल है तो इसलिए अल्लाह सुबहान ने हमारी अकल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हराम किया कि ताकि हम हर वक्त अपने होशो हवास के अंदर रहें तो ये हतमी हुक्म है कि जो आया और हज़रत उमर रदील तनों इससे पहले मांगा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कि या रसोल्ला वसल्लम अल्लाह हमें एक हतमी हुक्म दे देना कभी शराब का तो फिर जब ये अहकाम आए और फिर जब ये आयत आई फहल अंत तुम तो क्या तुम बाज़ आओगे तो उमर रदील्ल तनों ने फरमाया इंतहीन रब बना इंतहीन हम बाज आए ए हमारे रब हम बाज़ आए साहब राम का जो लेवल था इतात और फरमा बरदारी का कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस हतमी हुक्म के आ जाने के बाद अब मैं अपने आप को कुछ और टाइम दूँ या मैं इसके कोई और नाम रखूं और मैं इसको किसी तरीके से जस्टिफाई करूं एक सहाबी के बारे में आता है कि वो शराब के ताजर थे और बड़ी इसकी लुक्रटिव तजारत हुआ करती थी और वो उस वक्त मदीना में थे नहीं जब ये अहकाम आए और जब वो वापस आ रहे थे तो उनके पास शराब के मटके थे और या मशकीज़े थे तो उनको किसी ने मदीना से ज़रा सा बाहर थे तो किसी ने बताया कि शराब हराम हो गई है उन्होंने वहीं उनको खोला और उनको बहा दिया तो ये जो आखिरत है ना इसका सौदा बाज़ अवकात अपेरेंटली दुनियावी जो हमारी सोचें हैं और हमारे मैारत हैं नफ़ा और नुकसान के आख़िरत का सौदा हमें महंगा पड़ रहा होता है लेकिन अल्लाह का सौदा महंगा है अल्लाह का सौदा जन्नत है और जन्नत अपनी पूरी खूबसूरतियों और नेमतों और रानाइयों के साथ जिस इंसान की मंतज़र है वो वो है समेना व अत आना कि हमने सुना और हमने इतात की और शराब की हरमत भी जो है वो किस लिए है ताकि तुम फला पाओ बेशैान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के ज़रिए से दुश्मनी और ब़ज़ डाल दे शराब के ज़रिए से घरों में कैसा कैसा फितना और फसाद बरपा होता है कैसी कैसी लड़ाई मार कुटाई तक बात पहुंचती है और इसी तरह से जुए के ज़रिए से भी किसी ने मुझे एक दफ़ा बताया कि उन्होंने ना एक डायमंड की ब्रेसलेट ख़रीदी है जो कि एक खातून ने वो जुआ हारी और उन्होंने उनके पैसे देने थे तो वो किसी ज्वेलर के पास ये डायमंड की ब्रेसलेट बेचने आईं और ज्यूलर ने जाहिर है कि फिर सस्ते दामों उनसे ख़रीदी तो इस तरह से घरों के अंदर से जिनको लत पड़ी होती है जो कंपल्सिव गैम्बलर्स होते हैं ये बकायदा नफसयाती मर्ज़ बन जाता है कंपल्सिव गैम्बलिंग का और फिर उसको उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है और उनको ये ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी कोई बेट्स लग रही हों जहाँ कहीं भी कोई जुए का कोई अड्डा हो तो वहाँ रुकना ही रुकना है और शैतान उस वक्त दिल के अंदर ये बात डाल देता है वसवसा डाल देता है कि बस इसके बाद नहीं करूँगा या ये एक ट्राई और कर लूँ और वो एक एक ट्राई करते करते इंसान कितने लाखों और समटाइम्स करोड़ों का मकरूज हो जाता है घरों से चीज़ें और बीवियों के और बहनों के और माओं के जेवरात तक जो हैं वो चोरी करके जाके तो बेचे जाते हैं कि ताकि हम इससे जो जो हमें देना पड़ गया है वो हम दें और फिर भी ये लत नहीं टूटती कि किसी दिन को तो हमारी भी लॉटरी निकल आएगी किसी दिन तो हमारा भी जैकॉट निकल आएगा तो ये तमाम जो कई लोग जो बाहर जाते हैं कई वेस्ट में जाते हैं और वेकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो ये सारी स्लॉट मशीनस और इस तरह के जितने भी तरीक़े हैं ये सब जुआ है चाहे आप कुछ कमा भी लें उसमें से वक्ती तौर पर एक खातून ने बड़े खुश होकर एक मरतब बताया कि मैंने 200 डॉलर जीत लिए थे तो क्या हो गया अगर आपने 200 डॉलर जीत लिए उसके बाद वो आपके कितनी देर काम आए लेकिन एक हराम काम के ज़रिए से आपने कुछ अगर जीत भी लिया तो ना उसमें बरकत होगी अल्लाह तला की नाराज़गी भी होगी और क़्यामत के दिन उसकी बाज़ पुरुष भी होगी और दुनिया में अपने घरेलू हालात और अपने बड़े अच्छे ताल्लुक वाले दोस्तों के साथ भी हालात ख़राब हो सकते हैं इस तरह के हरकतों से और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ से रोके तो शैतान तो चाहता ही ये है कि आप घरों में लड़ें आप अपने दोस्तों के साथ लड़ें क़त रहमी आप करें मकरूज़ आप हों शैतान तो चाहता ही है हराम आप खाएं तो ये सब कुछ जुए के ज़रिए से हो रहा होता है और दूसरे अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोके कौन शराब की हालत में अल्लाह का जिक्र करना याद रखेगा और नमाज को याद रखेगा और कौन जुए के उस मोमेंट के अंदर उठेगा और ठहरो रुको मैं जुआ खेलता हूँ ज़रा स्टॉप करता हूँ मैंने जाके नमाज़ पढ़नी है ऐसा कोई नहीं कर सकता उस वक्त और ना ही कोई करता है और शैतान का यह हरबा है फिर क्या तुम इन शैतानी कामों से बाज आते हो और तुम अल्लाह की इतात करो और रसूल की इतात करो और एहतियात करो बस अगर तुम हक़ से फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ खोल कर पहुँचा देना लाजिम है जो लोग ईमान लाए और नकमल करने लगे उन्होंने जो कुछ पहले खाया पिया हो उस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं जबकि वो आइंदा परहेजगारी इख्तियार करें और ईमान पर कायम रहें और नकमल करें फिर वो परहेज़गार ही रहें और ईमान पर जमे रहें फिर वह परहेज़गारी ही अपनाएँ और नेी करें और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है अल्लाह महसिन है मोहसिन को पसंद करता है तो उहद की जब जंग हुई तो उस वक्त तक अभी ये आयत शराब की हतनी हरमत की नहीं आई थी कुछ साहबा ने उस दिन शराब पी रखी थी और वो वहीं जंग उहद में शहीद भी हो गए थे तो कुछ लोगों ने इस बात पे इतराज किया मुनाफिकीन ने इतराज किया मुसलमान जो हैं उनको इश्काल हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अमाल ज़ाया हो गए हों तो अल्लाह सुबहान वाली ने ये अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है ये माक़द कद सलफ़ वाला कि जो हो चुका वो हो चुका जो हो गुज़रा वो हो गुज़रा उसके ऊपर तुम्हें नदामत हो रही है तो बस बात ख़त्म और यहाँ पर भी ये है कि जो वो कर चुके तो उन्होंने तो वो तब किया कि जब ये हराम नहीं हुआ था उनकी नेकमाल ज़ाया नहीं होंगे और फिर उसके बाद ये जो तकरार है परहेजगारी इख्तियार की ईमान लाए नेक अमल किया फिर परहेजगारी की फिर ईमान लाए फिर परहेजगारी की और नेकी की ठीक है तो ये तकरार क्यों है ये रेपिटिशन क्यों है कि अगर इंसान जब एफर्ट में कोशिश में जब फॉल्टर करता है किसी न किसी वक्त उसका अजम उसका इरादा कमज़ोर पड़ने लगता है और वो फिर उस चीज़ की तरफ माइल होने लगता है लेकिन फिर तोबा करता है फिर माइल होता है फिर तोबा करता है अल्लाह को पता है ना कि इंसान को जब किसी चीज़ की इस तरह से बाज़ात लत पड़ जाए तो उसको छोड़ना उसके लिए एक वक्त लगता है उसको तो अल्लाह ताला वो टाइम भी दे रहे हैं कि जो इस्तकामत के साथ कोशिश करते रहे और फॉल्टर करने के बावजूद वापस लौटते रहे तो इवेंचुअली वो एहसान के लेवल को पहुंच जाएंगे इवेंचुअली वो उसको पक्का छोड़ पाएंगे और अल्लाह ऐसे ही इस्तकामत के साथ गुनाह छोड़ने के बार बार तोबा करने वालों को और फिर एंड में एहसान के लेवल पर पहुंचने वालों के बारे में फ़रमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल वल्लुहब्बुलमुहसिन अल्लाह ताला ऐसे एहसान के लेवल पर नेकी करने वालों को और इस्तकाम के साथ जिसमानी तकलीफ़ होती है बाकायदा शराब छोड़ने वालों को नशा छोड़ने वालों को बाज़ात रिहेब है, रिहेबलीटेशन में जाना पड़ता है बाज़ अवात ऐसी दवाएँ लेनी पड़ती हैं कि जिनसे इंसान को ज़रा थोड़ा वो हो तो माल भी लगता है पैसा भी लगता है और जिस्मानी तकलीफ़ भी होती है लेकिन वो इसके ऊपर डटे रहते हैं कि अब मैंने वापस इस चीज़ पर तो नहीं ही जाना तो ऐसे मोहसिन को अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ज़रूर तुम्हें उस चीज़ के शिकार के ज़रिए से आज़माएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँच सकते हों ताकि जान ले कि कौन उससे बिन देखे डरता है फिर उसके बाद जो हद से गुज़र गया उसके लिए दर्दनाक अजाब है यानी बाजा हलाल चीज़ हराम कर दी जाती है इसलिए कि कौन बिन देखे डरता है ये टेस्ट हो जाए ठीक है तो रमज़ान का महीना भी ऐसा ही एक महीना है कि जब आपके ऊपर हलाल चीज़ें हराम हुई हुई होती हैं और अहराम की हालत में जो शिकार है वो जायज़ नहीं है अहराम की हालत में जो मुहरम है वो शिकार नहीं कर सकता ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम अहराम की हालत में हो तो शिकार ना मारो और तुम में से जो कोई जानबूझ कर शिकार मारे तो जो जानवर उसने मारा हो उसे उसके बराबर एक जानवर मवेशियों में से फिदिया देना होगा जिसका फ़ैसला तुम में से दो इंसाफ वाले करेंगे ये फदिया बतौर कुर्बानी काबा पहुँचाया जाएगा या उसका कफ़ारा चंद मिस्किनों को खाना खिलाना है या उसके बराबर रोज़े रखना है ताकि वो अपने किए का मजा चखे जो कुछ उससे पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ़ किया और जो कोई दोबारा वही हरकत करे तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला है तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है ये तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए है और जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम्हारे लिए खुशकी का शिकार हराम किया गया है और तुम अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे काबा जो हुरमत वाला घर है अल्लाह ने उसे लोगों के क़्याम का ज़रिया बनाया है और हरमत वाले महीने और हरम वाली कुर्बानी और पटों वाले जानवरों को भी हरमत दी है ये इसलिए कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और यह कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है जान लो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है रसूल सल्ला वसलम के ज़िमे अल्लाह का पैगाम पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते और जो तुम छुपाते हो होल्लास्तवीस वय वल आज जब का कसरतबीस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते अगर चे नापाक की कसरत आपको हैरानी में डाल दे लिहाजा ए अक्ल वालो तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो हमें बताई गई है कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते बाज़ात पाक चीज़ जो है वो थोड़ी होती है और नापाक की कसरत होती है रिश्वत देकर आप बहुत से ऐसे काम निकलवा लेते हैं कि जिससे अपेरेंटली आपका कोई बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करने लग जाता है और उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाक और नापाक बराबर नहीं और अल्लाह ख़ुद भी पाक है और पाक को ही पसंद करता है और पाक माल ही कबूल करता है अल्लाह तैयब है अल्लाह ताला का एक नाम है तैयब और ये कुरान में नहीं हदीस में वारिद हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अल्लाह तैयब है और तैयब ही कबूल करता है और अल्लाह अगर तैयब है तो हमें उसका बंदा होने के नाते क्या करना चाहिए हमें ख़ुद अपने अपने आप को फिज़िकली भी पाक साफ सुथरा रखना चाहिए अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख़्याल रखना चाहिए और हमारा माल भी पाक होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सदका भी वो कबूल करता है कि जो हलाल माल में से हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है अल्लाह भी बे का अन का व अन नी अमन से वाक ए अल्लाह तो मेरे लिए काफ़ी हो जा हलाल के साथ हलाल चाहे थोड़ा है मुझे वही काफ़ी कर दे हराम से बचाकर और मुझे अपने फ़ज़ल से गनी कर दे हर उस चीज़ से बचाकर जो तेरे सिवा है ये जो हलाल रिस्क की सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ है ये हमें तोहिद भी सिखाती है बहुत से साहिब अकतदारिन जिनके गिर्द खुशामद पसंद लोग होते हैं तो ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं मैं पढ़ रही थी कि जो किंग थे अब्दुल अज़ीज़ सऊदी किंग थे तो उनके पास जब वो किंग बने और ज़ाहिर है उनके पास फिर एक मोनार्की में बहुत दौलत होती है तो एक आदमी उनके पास आया और उसने उनको आकर कोई खुश आमदाना ऐसे अल्फाज कहे कि जिनसे ये समझ आती थी कि शायद ये मुझे अपनी तकदीर का मालिक समझता है कि बस जो मैं दे सकता हूँ वो इसको कोई नहीं दे सकता तो वो अनोई हुए उनको बुरा लगा और उन्होंने अपने पास बैठे हुए एक वज़ीर से कहा कि इसको तौहीद सिखाओ रज़के हलाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से तलब करना और अल्लाह के दिए हुए रज़ हलाल पर कनात करना और हराम की तरफ ना जाना क्योंकि हराम आप देखें ये आयत आपको बता रही है वलवा जब का कसरतल्खबीस चाहे तुम्हें अच्छी लगे नापाक माल की कसरत तो इससे क्या पता चलता है कि नापाक जब उसके अंदर ऐड होता है तो वह कसर हो जाता है रिश्वत से आपके काम निकलते हैं और एकदम आपके लिए आसानी हो जाती है आपका बिज़नेस फ्लरिश करने लग जाता है सूद से आपको बहुत से और पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं तो इंसान को अगर कोई नज़र सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी रखता है तो उसको वो कसरत तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन वो खबीस है वो नापाक की कसरत है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कभी बराबर हो नहीं सकते तयब और नापाक की कसरत चाहे तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे एक आ, ताबई हैं वो कहते हैं कि मैंने इबन अब्बास से बाज़िक यानी अंगूर का शीरा हल्की आँच दिया हुआ के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद वसल्लम बाज़िक के वजूद से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे तो जो चीज़ भी नशा लाए वो हराम है तो वो ताबई कहते हैं कि मैंने कहा कि बाज़ तो हलाल और तयब है यानी बेसिक सोर्स तो हलाल और तयब है ना तो इबन अब्बास ने कहा कि अंगूर भी हलाल और तैयब था जब उसकी शराब बन गई तो वो हराम और ख़बीस हो गया तो जितनी भी आप देखिए कि शराब के ही फौरन बाद ये ख़बीस और तैयब की भी आयत आ रही हैं तो शराब के जितने भी फ़वाद हैं कई सर्दियों वाले जो थे या इलाक़े थे वहाँ से भी लोग आए जिन्होंने नबी अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम गरमाइश हासिल करने के लिए इसको पी लेते हैं तो क्या वो भी हराम है तो आपने फ़रमाया कि जो चीज़ तुम लोग बनाते और पीते हो जो गरमाइश देती है तो क्या वो नशा भी करती है तो उन्होंने कहा कि हाँ तो आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हर नशा आवर चीज़ हराम है चाहे उसके अंदर आपको फ़वाद नज़र आ रहे हों चाहे वो फ़वाद आपको पसंद आ रहे हों फ़ल्ल या उलबाबीअल लिहाज़ा ए अक़ल वालों तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ ए लोगो जो ईमान लाए हो ऐसी बातों के बारे में सवाल ना करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें और अगर तुम उनके मुतालिक सवाल करोगे जबकि कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी अल्लाह ने तुम्हारी इस हरकत को माफ़ कर दिया है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत हौसले वाला है उनके बारे में तुम पहले भी एक कौम ने सवाल किया था फिर इन बातों की वजह से वो काफ़िर हो गए अल्लाह ने नहीं बनाया किसी को बहिरा और ना साइबा और ना वसीला और ना हाम ये सब इन्होंने जानवरों के नाम रखे हुए थे कि ये ये जानवर जो हैं ये बुतों के नाम पर आज़ाद किए गए हैं और इनका ना दूध दोहा जाएगा ना इनकी सवारी की जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तो ऐसे कोई नाम रखे ही नहीं मैंने तो किसी जानवर को इस तरह से मुख्त किया ही नहीं मगर ये काफ़िर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं और उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते और जब उनसे कहा जाता है कि तुम आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ तो वो कहते हैं हमें वो काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया क्या अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना जानते हों और ना वो हिदायत याफ्ता ही हों तो भी वो उन्हीं की पैरवी करेंगे ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर अपनी जानों की फ़िक्र लाजिम है जो शख्स गुमराह हो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जबकि तुम खुद हिदायत पर हो तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम में से किसी को मौत आने लगे अभी जो पिछली आयत गुजरी है ना कि अगर कोई गुमराह है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर तुम खुद हिदायत पर हो इसी तरह से उनका गुमराह होना आपको फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता अगर आप उनकी देखा देखी गुमराह हो जाएं और आप ये कहें कि आजकल तो सभी लोग ये करते हैं तो चाहे सभी करते हैं तो सब के सब का अपनी अपनी कब्र में अलग अलग हिसाब होना है उस वक्त किसी को ये जो प्ली है कि सब कर रहे हैं ये काम नहीं आनी उस वक्त सवाल तो ये होना है कि तुमने स्टैंड क्यों ना लिया तुम्हें तो पता था कि ये बात गलत है तो ये कहाँ से तुमने एक्सक्यूज़ निकाल ली ये कहाँ से उजर तराश लिया कि सब लोग करते हैं तो बस फिर मैंने भी कर लिया तो इससे क्या पकड़ नहीं होगी अगर एक चीज़ राइज हो जाए कसरतुल खबीस हो जाए तो क्या वो जायज़ हो जाती है अल्लाह ताला ने तो उसको जायज करार नहीं दिया है तो इसलिए बाज बाज़त आपको स्टैंड लेने पड़ते हैं बाज बाज़त आपको वो जो एक हदीस है ना कि इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और फिर अजनबी ही लौट जाएगा बद अस्लाम वरीबा गरीबन याऊद गरीबा फ़तूबा अलगरबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और फिर अजनबी ही लौट जाएगा तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अजनबी रहेंगे जब इस्लाम आया है तो तब भी अजनबीयत थी ना कि ये कैसे लोग हैं ये कैसे कोई बेवकूफ़ कहता था कोई माएँ हैं तो वो जंजीरों में बेटों को जकड़ रही हैं कोई माँ है तो भूख हड़ताल तो कर रही है कि तुम वापस इस दीन के ऊपर आओ तुम लोगों ने ये क्या नया एक अलग से दीन बना लिया है तो लोगों को इतनी हैरत होती थी उनकी अक़ल के ऊपर और उनके कई फ़ैसलों के ऊपर मुसलमानों के आज भी वो वक्त है कि जिस कदर रिश्वत का और चोर बाजारी का और ज़ख़ीरा अंदोजी का और सूद खोरी का और सूद खोरी, खोरी को जायज़ करने का जो बाजार गर्म है उसमें कोई स्टैंड लेता है कोई खड़ा रहता है कि ठीक है मुझे थोड़ा ही चाहिए मैं थोड़े पर ही राज़ी हूँ तो उसको फिर सबकी गुमराही कोई नुकसान नहीं देगी और अगर इंसान ख़ुद गुमराह हो जाए और सारे के सारे हिदायत पर हों तो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होने लगा हर किसी का अपना अलग अलग सवाल होना है लिहाजा अपने बारे में सोचें ये मत सोचें कि माशरे में अगर आ, को, कोई शादी के मौके पर कोई रस्म व रवाज राइज हैं तो ये हमने ना किए तो कोई हम पता नहीं कितने ही हम लोगों को नाराज़ कर बैठेंगे वो अगर खबीस में आती है वो चीज़ तो आप अकेले का उसको छोड़ देना उन सब की पैरवी करने से कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है और कहीं ज़्यादा बेहतर है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो तुम्हारे दरमियान गवाही होनी चाहिए और वसीयत के वक्त अपने मुसलमानों में से दो इंसाफ वाले गवाह बना लो या अगर तुम ज़मीन में सफ़र पर निकले हो और रास्ते में मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर कौम के दो गवाह भी काफ़ी होंगे फिर अगर तुम्हें कोई शुबा हो तो इन दोनों गवाहों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो तो वो अल्लाह की कसम खा कर कहें कि हम इस गवाही के बदले कोई कीमत नहीं ले रहे और कोई हमारा रिश्तेदार भी हो तो हम उसकी रियायत करने वाले नहीं और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगारों में शुमार होंगे फिर अगर पता चल जाए कि बेशक इन दोनों ने गुनाह का इरतकब किया है तो इन दोनों की जगह दो और गवाह उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक मारा गया हो और जो मरने वाले के ज़्यादा करीबी हों फिर वो दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन पहले दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है और हमने कोई ज़्यादती नहीं की अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में शुमार होंगे इस तरह ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि वो ठीक ठीक गवाही देंगे या कम अज़ कम उस बात ही का खौफ करेंगे कि कहीं इन वसा की कस्मों के बाद उनकी कस्में रद्द न कर दी जाएं और तुम अल्लाह से डरो और सुनो और अल्लाह नाफरमानी करने वालों को हिदायत नहीं देता योम قالوا لا علم لنا إنك أنت मना الغيوب उस दिन का ख्याल करो जब अल्लाह रसूलों को जमा करेगा फिर उनसे कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया था तो वो कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं बेशक तू ही गैब की बातों को जानने वाला है एक माना तो यह है कि इतनी घबराहट तारी होगी अल्लाह ताला के सवाल से रसूलों पर भी कि वो कहेंगे वो अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह हमें कुछ पता नहीं है कि लोगों ने क्या जवाब दिया और दूसरे ये कि अम्बिया कराम के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी उम्मतों ने क्या किया उनकी तालीमात के साथ तो वो अर्ज़ करेंगे अम्बिया कराम कि तू ही ग़ैब को जानने वाला है हमें तो पता नहीं है जब तू ने हमें दुनिया से उठा लिया तो उसके बाद हमें पता नहीं है इससे एक बहु और बात भी पता चलती है कि अम्बिया कराम गैब का इल्म नहीं जानते और वो हाजिर व नाजिर नहीं हैं। जब अहेगा इज़्ला मरियम उमती काज अयद तुकल मुन्ना सफिल महदी वह जबल्ला कहेगा एसा इबन मरियम तू खुद पर और अपनी माँ पर मेरी नमत याद कर जब मैंने तुझे रूहुल क़ुदस यानी जबरील के साथ कुत दी तो माँ की गोद में और पुख्ता उम्र में लोगों से कलाम करता था और जब मैंने तुझे किताबो हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी और जब तू मेरे हुक्म से गारे से परिंदे की मूरत बनाता था फिर तू उसमें फूंक मारता था तो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था और तू पैदाइशी अंधे को और फुलबहरी वाले को मेरे हुक्म से तंदरुस्त करता था और जब तू मर्दों को मेरे हुक्म से ज़िंदा निकालता था और जब मैंने तुझे बनी इसराइल से बचाया जब तू उनके पास वाज निशानियों के साथ आया था तब इन लोगों में से जिन्होंने कुफ़िर किया उन्होंने कहा था ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं और जब मैंने हवारीयों को इल्हाम किया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ यानी ईसा ईसी पर ईमान लाने वाले जो उनके बारह हवारी थे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हवारीयों को इल्हाम किया हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती है हिदायत अल्लाह ही देते हैं एक ही जगह पर सौ लोग बैठे होते हैं और हर कोई अपने अपने ज़र्फ और अपने अपने दिल की कैफ़ियत के मुताबिक हिदायत लेकर उठता है कोई होते हैं जो जैसे आते हैं वैसे उठ जाते हैं कोई होते हैं जो बोरियत का एक एहसास लेकर उठते हैं और कोई होते हैं कि जो एक आज़म और एक इरादा और अपने आप को यानी तोबा या अपने आप को दुरुस्त करने का कोई ना कोई अज़म लेकर उठते हैं तब उन्होंने कहा हम ईमान लाए हैं और तू गवाह रहे कि बेशक हम फरमा बरदार हैं और जब हवारी ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम क्या तेरा रब ये ताकत रखता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल करे उन्होंने जवाब दिया तुम अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो वो बोले हम ये चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए और हम ये जान लें कि तूने हमसे सच कहा है और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाए ईसा इबन मरियम ने कहा ए अल्लाह ए हमारे रब यहाँ पर ईसा सलाम ने अल्लाह ताला को किस तरह से पुकारा है ये देखने के लायक है कलाई सबन मरियमा अल्ला रबना ए अल्लाह अल्लाह भी जो है ना ये अल्लाह के साथ हम जो लगाया जाता है ये मोहब्बत और एक अपनाइत और एक लजाजत और मिन्नत का एक मज़ीद एक अंदाज़ है कि सिर्फ़ अल्लाह कहने की बजाय अल्लाह कहा जाए और ये अल्लाह ताला के और किसी नाम के साथ नहीं लगाया जा सकता सिवाय अल्लाह के और फिर साथ ही रब बना ए हमारे रब हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा के वो हमारे पहलों और हमारे बाद वालों के लिए ईद यानी खुशी का मौका बन जाए और वो तेरी तरफ़ से ख़ास निशानी हो और तू हमें रिस्क दे और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं द, वो दस्तरखान तुम पर नाजिल करूँगा फिर उसके बाद तुम में से जो शख्स कुफर करेगा तो मैं ज़रूर उसे ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब दुनिया भर में किसी और को नहीं दूंगा और जब अल्लाह कहेगा ईसा इब्ने मरियम क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो तो वो कहेंगे तू पाक है मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं यहाँ साफ पता चल रहा है कि ईसा की तलीमत में मुकम्मल वहदानियत थी कहीं पर भी ट्रिनीटी का तसलीस का उनके अपने अल्लाह का बेटा होने का या बाज़ात उन्होंने कहा कि वही ईसा इबन मरियम वही अल्लाह हैं तो इसका कोई हमें शाइबा तक भी नहीं मिलता उनकी तलीमत में अगर मैंने ये बात कही हो तो यकीनन तू उसे जानता है तू उसे भी जानता है जो कुछ मेरे दिल में है और मैं उसे नहीं जानता जो कुछ तेरे नफ्स में है बेशक तू ही सबसे बढ़कर बढ़ ग़ैब जानने वाला है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था सिवाय इसके जिसका तू ने मुझे हुक्म दिया था ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है और फिर ईसा सलाम फ़रमाएंगे वकुन तो अलह हम शहीद दुम तुफी हिम

और अद शहीद।, शहीद का मानी है कि वो जो हर चीज़ पर मुतले हो कोई चीज़ उस पर मख्फी ना हो जो तमाम आवाज़ों को वो खुफिया हों या जाहिर सुन ले और तमाम मखलूकात को देखे वो बारीक हों या जलील यानी मोटी छोटी हों या बड़ी और वो अपने बंदों के हक़ में या उनके ख़िलाफ़ उनके आमाल को देखता है जानता है उनका गवाह है रकीब का मानी है जो सीनों में छुपी बातों से बाबर हो हर जान जो कमाती है सब कुछ उसके ज़ेर निगरानी हो मखलूक का मुहाफ़ उनके सारे मामल की बेहतरीन तदबीर करने वाला हर चीज़ पर मतले और तमाम अशिया की निगरानी करने वाला हर शे पर वसत रखने वाला और अपनी समात के साथ तमाम बोली जाने वाली बातों का चीज़ों का शोर का तमाम चीज़ें जो सुनी जाती हों उनका ख़्याल रखता हो आपको पता है कि साइंस में एक सवाल किया जाता है कि अगर कोई किसी की एयर शॉट के बाहर हो लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त ऊपर वाला जो फ्लोर है वो हमारी एयर शॉट के बाहर है उधर कोई अगर कोई बात कर रहा है तो वो हमें नहीं सुनाई देता लेकिन क्या वो बात कर रहा है ठीक है तो ये अल्लाह को पता है तो इसी तरह जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना हो अगर बिजली कड़ के ज़ोर से और एक दरख्त गिर जाए यानी ज़ोर के जैसे धमाकों वाली आवाज़ें होती हैं वो हों और सुनने वाला इंसान तो है ही कोई नहीं तो ये कौन प्रूव करेगा कि आवाज़ फिर भी निकली थी ये बकायदा एक सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं है और अल्लाह ताला उस आवाज को भी सुनते हैं जिसको के इंसान सुन ही नहीं सकते आप देखें कितनी आवाज़ें हैं कितने जानवरों की कि जो हमारी जो जितने डेसिबल्स हम सुन सकते हैं ना उससे बाहर है तो हम वो सुन ही नहीं सकते जैसे चमगादड़ों की आवाज़ है जैसे कई ये जो बड़ी वेल और डॉल्फिन ये जो मछलियाँ हैं इनको कभी अगर आपने कोई किसी आ, वाटर शो आपने देखा हो ना तो उसमें ये ट्रेन हुई हुई होती हैं ये डॉल्फिन और उनका जो ट्रेनर है ना वो एक विसल ब्लो कर रहा होता है वो विसल की जो आवाज़ है वो उस डॉल्फ़िन को आवाज़ आ रही होती है और वो उसको सुनकर वो कोई छलांग लगाती है वो कोई कलाबाजी खाती है जिस तरह से वो ट्रेन हुई हुई होती है वो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही होती आवाज़ तो अल्लाह ताला हर आवाज़ को सुनता है और अपनी तमाम मखलूत पर निगरान है और यही वजह है कि हम सब को अपने जाहिर और बातिन की निगरानी करनी चाहिए और यही वजह है कि जाहिर और बातिन दोनों की निगरानी आला दर्जे का काम और आला दर्जे का तज़किया शुमार होता है लिहाजा जब ये तसवुर हो कि अल्लाह ने अपने इल्म के साथ हर चीज़ का इहाता कर रखा है तो इस एहसास को हर हाल में सामने रखने से बंदा अपने बातिन की बायदा पहरेदारी करता है और हर बुरी फिक्र से उसको बचाता है जिससे अल्लाह ताला के नाराज़ होने का शाइबा तक हो बंदे को जब अल्लाह ताला के इन नामों का इल्म हो जाता है अररक़ीब अशहीद तो उसका फ्रूट क्या है उसका फल क्या है कि वो अल्लाह ताला की निगरानी को महसूस करता है और वो जानता है कि वो मेरी पलक झपकने से भी आगाह है तो अपने आप को हर वक्त अपना मुराकबा करता है अपने आप को निगरानी करता है तन्हाइयों में भी करता है मजलिसों में भी करता है एक शायर ने कहा अरबी का शेर है उसका तर्जमा यह है कि ज़माने में कभी खलवत मयसर आए यानी तन्हाई मैसर आए तो ये मत कहो कि मैं तन्हाई में हूँ ये कहो कि मेरे ऊपर रखीब व नगहबान मौजूद है ये हरगिज़ न गुमान करना कि अल्लाह ताला एक घड़ी भी गाफिल होता है और ना ही जो मख्फी हो उससे गैब होता है कोई चीज़ अल्लाह ताला से पोषिदा नहीं है लिहाजा इब्न कईयम रहमोल्ला फ़रमाते हैं कि इब्ने तैमिया फरमाया करते थे कि जब तुम किसी अमल से दिल में हलावत ना पाओ यानी तुम कोई काम करो और दिल तुम्हारा मतम ना हो और तबीयत में कुशादगी ना आए तो फ़िक्र किया करो क्योंकि अल्लाह ताला कदरदान है और वो अमल करने वाले को उसके अमल की जजा दुनिया में भी देते हैं और वो जजा यही हलावत है यही शरीरनी है जो बंदा अपने दिल में नेक अमल करके पाता है और कुव्वत और आँखों की ठंडक पाता है जब ये शराय सदर ना पाए तो उसके अमल में ज़रूर किसी गलत चीज़ की दखलंदाजी की गई है और उसे इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने तो वो दखल अंदाजी उसके दिल की देख ली है जिसको कि बंदे ने अभी ख़ुद भी प्रसीव नहीं किया हुआ इस तरह वो रकीब और शहीद है हमारे ऊपर तो लिहाजा अपने आप को हर वक्त चेक करते रहें और अल्लाह ताला रहम फरमाए और इन इनए कराम को कि जिन्होंने ह्यूमन नेचर को इस तरह से समझा इतनी उसके ऊपर नज़र और फिर उसके बाद हमारे लिए उसके हल निकाल कर हमें दे गए वरना हमें तो पता भी नहीं चलना था हमने तो समझना था कि हमें कोई डिप्रेशन या एंगजाइटी या पता नहीं क्या हो गया है हमें और हमने वहाँ सुकून तलाश करना शुरू कर देना था कि जहाँ अल्लाह ताला ने सुकून रखा ही नहीं है फिर ईसा साल सलाम फ़रमाएंगे कि अगर तू उन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गिब है बड़ी हिकमत वाला है रसोल्ला सल्ह् वसलम इस आयत मुबारक पर रो पड़ा करते थे कि किसीम का इतना ही बस चलेगा कि ये कहेंगे कि तेरे बंदे हैं तू इन्हें अजाब दे तू बरहक होगा और अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो तू अल अजीज अल हकीम है तू गालिब है तू हमत वाला है यानी ईसीम जैसे नबी अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश नहीं कर सकेंगे शफात नहीं कर सकेंगे या अल्ला तेरी मर्ज़ी बंदे तो एंड ऑफ द डे तेरे हैं रसोल्ला वसल्लम एक दुआ फरमाया करते थे, थे कि अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत और एक मरतबा आप वसल्लम ये कहते हुए रोने लगे तो अल्लाह जब जल ने फ़रमाया ए ज़िब्राइल जा मोहम्मद के पास हालांकि तेरा रब खूब जानता है फिर भी उनसे पूछ कि क्या चीज़ उनको रुला रही है जब्राईल आप अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आए और रोने की वजह पूछी तो रसोल्ला सल्ला वसलम ने उन्हें बता दिया हालांकि अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला है अल्लाह को ख़ुद भी पता था तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए एजब्राइल जा मोहम्मद की तरफ़ और उनसे कह दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में ज़रूर राज़ी कर देंगे और हम आपको गमगीन नहीं करेंगे क़ाल्ला हादा यमु यन फ़ाउसदीन असद गुहम अल्लाह फ़रमाएगा ये ऐसा दिन है कि सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा सो लिहाजा ज़िंदगी में सच का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें झूठ बोल के धोखा दे के कोई इधर उधर की बात लगा के डबल मीनिंग वाली बात करके और बाद में कहना कि नहीं मैंने तो ऐसे कहा था तो आपको तो सही समझ नहीं आई तो अल्लाह को तो पता है ना उस अर्रर्रकीब अशहीद को तो पता है ना कि आप कितनी हेरा फेरी कर रहे हैं अपनी गुफ्तु में अपनी बातों में तो इंसान को सच्चे होना चाहिए और सच्चा इंसान ही अल्लाह सुबहाना को पसंद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असाब में से किसी का भी अगर पता चलता कि ये झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवैया है उनसे तब्दील हो जाता और आप उनसे ज़रा थोड़े से डिस्टेंट हो जाते और ख़फा से हो जाते यहाँ तक कि वो नादिम ना होते और वह तोबा ना कर लेते तो ये ऐसा दिन है कि सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा और सबसे बड़ा इस कायनात का सच तोहीद है अल्लाह ताला की वहदानियत है उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो उनमें हमेशा रहेंगे अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए रौजलम यही बहुत बड़ी कामयाबी है लाही ही मुल्क उस समावल अर्दी व माफ़ी कुल्ली शयन कदीर आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है उसकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है सूरतम का मानी है मवेशी सूरतों के नाम तौकीफी हैं तौकीफी हैं यानी अल्लाह तआला ने ख़ुद बताए हैं और इसी तरह से नबी अलैहि वसल्लम ने भी बताए हैं और बाद सूरतें ऐसी भी हैं कि जिनके नाम एक से ज़्यादा भी हैं बिसमिल्लर रहीम अल्हदिल्लाजी ख़लक़ समावात ही वर्द वजाल ुमाथ ही व नूर सल लजी नकफ़रूब रबिम यादलून तमाम तारीफ अल्ला ही के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया फिर जिन लोगों ने कुफर किया वह अपने रब के साथ औरों को बराबर शरीक ठहराते हैं सूरतम का बुनियादी मजमून तोहीद है और बाज़ बाज़ल ये कहा करते थे कि अगर हमसे किसी ने तोहीद का मजमून समझना होता तो हम उनको सूरतलाम पढ़ा देते हैं तो इस सूरह के बाद हमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मारिफत तोहीद के हवाले से बहुत बढ़ जाए और हम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाएं। और हम तो के मामले में सेंसिटिव हो जाए और हमारा अंदर लगा हुआ कंपस इतना सेंसिटिव हो जाए कि तोहद जहाँ भी डैमेज हो रही हो तो किसी और को समझ आ रही है या नहीं आ रही आपको समझ आने लग जाए बाज़ात हमारे इस तरह के अल्फाज होते हैं कि जो तो को डैमेज कर रहे होते हैं हमारे ऐसे जुमले होते हैं जो तो को डैमेज कर रहे होते हैं तो हमें उनके बारे में मार्फत होनी चाहिए अल्लाह तआला ने अंधेरों और रोशनी को बनाया ये भी फिज़िकल एक एंटिटीज़ हैं ये मखलूक है अंधेरा भी मखलूक है रोशनी भी मखलूक है और फ़िज़िक्स में तो इसको बाकायदा समझा जाता है पढ़ा जाता है कि ये डार्कनेस कैसे बनी और ये लाइट कैसे बनी तो अल्लाह सुबहान एक आ, ऐसी चीज़ों के जिनके बारे में इंसान चाहे तरक्की की और साइंसी तरक्की की किस भी लेवल को पहुंच चुका है उसके बारे में अल्लाह वाली कुरान में बता देते हैं कि अल्लाह ने बनाया है तो बहुत सी चीज़ों में साइंस को आकर इस बात पर रुकना पड़ता है कि ये कैसे बनी और फिर वो इस खाम ख्याली में पढ़ते हैं कि खुद से बन गई तो अगर खुद से कोई चीज़ बन गई तो अब क्यों नहीं कोई चीज़ खुद से बनती जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रही का एक वाक़ आता है ना कि कुछ मुलहिदीन थे एथियस थे जो आ, उनके पास आए और कहते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट से गए थे वहाँ उनके पास मनाजरा करने के लिए तो कुछ मुलिदीन जो हैं वो मनाजरा करने के लिए गए आ, आ, इमाम अबू हनीफा रही के पास कोफ़ा और आ, उन्होंने इमाम साहब ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है कल आना और फलां जगह पे आ जाना तो इस बात पर भी वो खुश हो गए कि शायद इमाम साहब को अब सोचना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला के बारे में क्या अब मैं दूंगा उसके वजूद के बारे में दलाइल तो अगले दिन वो जो टाइम था उसके ऊपर वो पहुंच गए वहाँ पर और और लोग भी आ गए कि अच्छा मनाजरे में अब क्या होता है तो आ, इमाम साहब नहीं आए और लेट हुए और वो मलिद्न जो हैं जो एथियथ थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि देखा नहीं आए ना इनके पास दलील कोई नहीं है तो हमारे साथ मनाजरा करने ही नहीं आए तो फिर काफ़ी देर जब गुज़र गई तो इमाम साहब आए और उन्होंने कहा कि असल में मैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक दरिया पड़ता है और मैंने देखा कश्ती कोई नहीं थी मल्ला नहीं था फिर मैंने देखा कि एक दरख्त जो है वो अचानक कटा कट के उसके बड़े आ, सिमेट्रिकल उसके ये फट्टे बन गए फिर कहीं से कील आ गए और वो उसके अंदर ठुक गए और एक कश्ती वो बन गई और मैं उसमें सवार हुआ और वो चप्पू चलाती चलाती कश्ती खुद से मुझे यहाँ पर ले आई तो वो उनके ऊपर हंसने लगे कि माम साहब आप आई यू थिंकिंग स्ट्रेट मतलब आपको सही समझ आ रही है बात की आप कह क्या रहे हैं कि क्या कोई इस तरह से चीज़ ख़ुद से बन सकती है दरख्त ख़ुद से कटा कश्ती बन गई मल्ला के बग़ैर कश्ती चल गई ये हो कैसे सकता है तो इमाम अबू हनीफ़ा रमोल ने फरमाया कि तुम लोग अक़ल के अंधो अगर ये नहीं हो सकता तो ये पूरी की पूरी कायनत ख़ुद से कैसे वजूद में आ सकती है एक बद्दू से किसी ने पूछा था ना कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि अल्लाह है उसने कहा कि सहरा में जो पड़ी हुई कैमल की ड्रॉपिंग्स होती हैं जिसकी मेघनियाँ होती हैं उनको देख कर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से एक ऊँट गुज़रा है ऊँट की मौजूदगी का पता चलता है तो इसी तरह से इस सारे ये जो कायनात रंग है जिसके अंदर ये जानवर हैं जिसके अंदर परिंदे हैं दरख्त हैं सितारे हैं सैारे हैं इनके वजूद से मुझे पता चलता है कि एक रब है सो अल्लाह सुबहान वाली की क्रिएशन पर ग़ौर करना ूमात और नूर पर ग़ौर फिक्र करना इसी तरह से दीगर क्रिएशन पर ग़ौर फिक्र करना इसका अल्लाह ताली ने ख़ुद कुरान में हमें बार बार दावत दी है ये अल्लाह की मारफत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है अब देखें शैतान ने इसको इसके आगे एक बंद यानी आज कल एक बंद बांधा हुआ है बहुत से आ, लोगों की या मत मारी गई है और या फिर बहुत से तो ऐसे हैं कि जो फिर इस बात को मान चुके हैं कि एक कोई फाइन ट्यूनर है एक कोई क्रिएटर है लेकिन वो क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस बात के बहुत से ऐसे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं इस, इस बात के कि इसको फिर दबा दिया जाता है क्योंकि आप देखें कि अगर इस वक्त कोई ये मान ले साइंसदानों को इस मानने में क्या इश्काल है ये कितनी अकलमंदी की बात होगी कि वो ये कह दें कि हाँ एक क्रिएटर है जो खुद अनक्रिएटेड है ठीक है तो जो अजल से है जो अबद तक रहेगा ये ये समझ आ रही है इस सारी कायनात को देखकर इस बात की समझ आ रही है उन वो क्यों नहीं मानते वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर एक क्रिएटर को मान लिया जाए तो दुनिया में एक वाहिद किताब उस क्रिएटर की अब उस शक्ल में मौजूद है जैसे उसने भेजी थी और एक वाहिद दीन है जो उस शक्ल में मौजूद है जैसे नबी सल्ला वसम ले कर आए थे फिर तो उसको भी मानना पड़ेगा फिर कोई सूरत नहीं रह जाती कुरान और इस्लाम के इनकार की तो लिहाजा इधर ही बंद बांधो और कोई एवोल्यूशन का धोखा दो लोगों को कोई ख़ुद से बनने का धोखा दो लोगों को और आ, लेकिन हो ये रहा है कि उनके अपने हाथों से और उनके अपने दिमागों से अल्लाह ताला इस इस तरह की डिस्कवरीज करा रहे हैं कि जिनको देख देख कर समझ आ रही है कि ये हो ही नहीं सकता कि ये खुद हो गया हो वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर उसने तुम्हारे लिए एक वक्त मुकरर किया और उसके यहाँ कयामत का एक मुकरर वक्त भी है फिर भी तुम शक करते हो और वही अल्लाह है आसमानों और ज़मीन में वो तुम्हारी छुपी और जाहरी सब बातें जानता है और वो जानता है जो कुछ तुम कमाते या करते हो इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते अल्लाह मखफरली मा तो वमाँ मा अख़रतु, वमाँ मा तो वमाँ मा तो व मा जहलतु तो मा तम्मत ऐ अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो मैंने गलती से किए जान कर किए छुप कर किए ऐलानिया तौर पर किए नादानी में किए या जानते बूझते हुए किए और इसी तरह अलैहि वसल्लम आखिर जो तशाह था और सलाम से पहले यह दुआ मांगा करते थे अल्लाह मख्फरली माँकदम तो वमा <गणता> अख़र तो वमाँ असर तो वमा <था> आलन तो वमाँ असरफ तो वमा अंत आलम बिन्नी अंतलमुक़दम व अंतलमआर ला अः अंत एला मेरे उन गुनाहों की मफफ़रत फरमा जो मैंने पहले किए और जो मैंने बाद में किए और जो मैंने छुप कर किए और जो जाहिर किए और जो मैंने ज्यादती की और जिनको तू मुझसे ज़्यादा जानता है तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और उन लोगों के पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे उन्होंने मुँह ना मोड़ लिया हो उनके पास जब हक आ गया तो उसे भी उन्होंने झुटला दिया और चुनाचे जल्द ही उन्हें उस चीज़ का पता चल जाएगा जिसका वो मज़ाक उड़ाया करते थे यानी अजाब इलाही से दो चार होंगे क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर ईमान लाना तमाम इंसानों पर वाजिब है क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दीं जिन्हें हमने ज़मीन में ऐसी ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी और हमने उन पर मूसलाधार बारिश नाजिल की और नहरें बनाई जो उनके नीचे बहती थीं फिर हमने उनके गुनाह के बायस उन्हें हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरी कॉमें पैदा किं और ए नबी सल्ला वसम अगर हम कागज़ पर लिखी हुई कोई किताब आप पर नाजिल करते फिर वो अपने हाथों से उसे छू कर देखते तो जिन लोगों ने कुफर किया वो ज़रूर कहते कि ये तो खुला जादू है और उन काफिर लोगों ने कहा कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया और अगर हम कोई फरिश्ता उतारते तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाता फिर उनको ज़रा मोहलत ना दी जाती और अगर हम इस नबी को फ़रिश्ता बनाकर भेजते तो भी हम उसे इंसान ही की शक्ल में भेजते और तब भी हम उन्हें इसी शुभ में डालते जिसमें वो अब पड़े हुए हैं और ए नबी अलैहि वसल्लम यकीनन आपसे पहले रसूलों से भी मज़ाक किया गया था फिर उनमें से जिन लोगों ने मज़ाक किया था उन्हें इस अज़ाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे ए नबी अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम ज़मीन में घूमो फिरो फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ इनसे पूछिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो किसके लिए है कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है उसने मखलूक पर मेहरबानी करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है सुबह अल्लाह क़तब अला नफसर रहमा अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है हालांकि वो कोई मुखलफ़ नहीं है उससे कोई पूछेगा नहीं जैसे वो सुरज शम्स में आता है ना वला या खाफ वबाह अल्लाह कुछ भी कर दें अल्लाह ताला को किसी किस्म के अंजाम का डर नहीं होता कि कोई क्या कहेगा या कोई वापसी कोई चढ़ाई करेगा नाउज़बिल्ला ने उसके बावजूद अपने ऊपर लाजिम कर रखा है अपने बंदों पर रहम करना और फिर रहम का एक बहुत ऑबियस एक तकाजा है कि अल्लाह ताला इंसाफ़ करें अल्लाह ताला क़यामत के दिन दुनिया में जो विक्टिमाइज़ हुए लोग या जिन्होंने अल्लाह ताला की इतात तो और फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुज़ारी उन लोगों को अल्लाह ताला जजा दें और जिन लोगों ने इस दुनिया में एक आ, ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी के लोगों पर जुल्म किया और अपनी खुदाई बनाई और अपने आप से बढ़कर किसी को कभी समझा नहीं और जराइम किए और अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की तो उनको सज़ा भी मिले तो इसलिए रहम को लाजिम कर लेने के बाद फ़ौर अल्लाह ताला फरमाते हैं लुमा अनना कुम अला यौमिल़ियामतलाई बफ़ी ज़रूर वो क़यामत के दिन तुम्हें जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं जिन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला है तो वो ईमान नहीं लाते रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है वो अल्लाह ही का है और वो सब कुछ सुनता और ख़ूब जानता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए क्या मैं उस अल्लाह के सिवा माबूद बना लूँ जो आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है और वह सब को खिलाता है और उसे नहीं खिलाया जाता सब को खिलाता है इंसानों को खिलाता है, हैवानों को खिलाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को जहां वो ऑर्गेनिज्म है उसको भी खिलाता और पिलाता है और उसको वापसी किसी से कोई खाना नहीं चाहिए कह दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो पहला शख्स हो जाऊं जो इस्लाम लाया हूं और आप मशरक़ों में शामिल ना हो जाएं कह दीजिए बेशक अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मैं एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूं उस दिन जिस शख़्स से अजाब हटा लिया गया तो यकीनन उस पर अल्लाह ने रहम कर दिया और यही है वाज कामयाबी और अगर अल्लाह आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं और अगर वो आपको कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर चीज़ पर खूब कादिर है वह उलका हरू फोका इबादी ही वह खबीर और वह अपने बंदों पर पूरा इख्तियार रखता है और वह खूब हमत वाला नहाय बाबर है अल्लाह सुबहान त हकीम है हकीम यानी दाना है और कुरान हकीम में ये लफ्ज़ तकरीबन सौ मरतबा आया है अल्लाह सुबहान हकीम होना और ये इसम अल्लाह ताली के कमाल हकमत पर दलालत करता है और अल्लाह ताली की कमाल हमत का सबसे पहला सबूत ये है कि वो वह वहदहला शरीक है वो जो चाहे अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला करे और अपने इरादे से उनमें फ़ैसला करे उसके हुक्म को कोई रद्द करने वाला नहीं है ना उसके फ़ैसले पर कोई चूँ चरा करने वाला है और ये जो उसने इजाज़त नहीं दी है ये भी उसकी दानाई है यानी अल्लाह ताला का अल हकीम होना और अल हकम होना फ़ैसला भी करना अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा है और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हमत भी है तोहहीद में अल्लाह की हमत पे नहा है क्योंकि तोहद जहाँ डैमेज होती है सबसे ज़्यादा इंसान अपना ही नुकसान करता है और फिर ये ये अल्लाह ताला की शान के मुताबिक था कि अल्लाह ताला के अंदर ऐसी सिफात होती जिनका वो अकेला ही मुस्तक हो अल्लाह ताला की सिफात में से जो उसकी ये सिफ्त है अल हकीम ये हमत के कमाल की सिफ्त है इंसानों के अंदर भी हकीम और दाना होते हैं लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफात होती हैं वो कमाल के लेवल की होती हैं वो परफेक्शन के लेवल की होती हैं कमा यलीकू भी जलाली जो लायक है उसके जलाल के मुताबिक जो उसको बेफिटिंग है यानी उसके अंदर कोई नक्स नहीं होता उसकी हिकमत और दानाई के अंदर अब मसला अल्ला सुबह वाली ने मखलूक को पैदा किया और हर एक की पैदाइश में हमत ये है कि उसने मखलूक को हक़ के साथ पैदा किया मकसद पैदा किया हर एक को उसको आ, उसको उसकी हैबिटेट बताई उसको उसका रहने का तरीक़ा बताया और फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में उसके लिए रिस्क भेजा जैसा सुरय मुल्क में आता है ना कि तू रहमान की तख्लीक़ में कोई तफावत कोई नक्स कोई दराड़ नहीं देखेगा ये अल्लाह त हकीमाना सारा निज़ाम है फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ताली नमल में फ़रमाते हैं सुन अल्लाह लदीअनकुल्ला शई अल्लाह की सनत है उसने हर चीज़ को पुख्ता किया है ये है अल्लाह ताला की हमत व दानाई फिर अल्लाह ताला के शर्य अहकाम मसला ये कल हमने पढ़ा कि चोर मर्द और औरत और 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 के हाथ काट दिए जाएँ तो इसमें हमत है इसमें कोई नाउज़ बिल्ला जुल्म नहीं है सो शरीयत सारी की सारी अल्लाह ताला की हमत का मजहर है और इसमें सरापा ख़ैर है फिर इसी तरह अल्लाह ताला की यह हमत है कि अल्लाह मोहसिन को उनके एहसान का बदला देता है सरा रहमान में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं हल जज़ा उलसान अलहसान क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कोई हो सकता है तो हमें अल्लाह सुबह वा हकीम का बंदा बनने के लिए अपने अंदर भी अल्लाह ताला से हमत और ख़ैर कसीर मांगनी होगी कि मेरे अंदर भी हकमत आए अल्लाह अल हकीम है हमत वालों को पसंद करता है जो काम करता है उसके अंदर हमत व दानाई होती है बे मकसद और फजूल काम नहीं करता तो लिहाजा हकीम के बंदा होने के तहत हमें बे मकसद और फजूल कामों को छोड़ना होगा अपनी ज़िंदगी में से वो काम के जिनका कोई ना दुनियावी फ़ायदा है और ना दीनी और उसी के ऊपर लगे रहना और उसी के ऊपर जुड़े रहना तो अल्लाह ताला इससे अबाव है अल्लाह ताला मा खलक तहाजा बातिला व मा खलमा वाति वर्द वमा बी नुमा बीन अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि हमने ये जो ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान जो कुछ है उसको कोई खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया है ये संजीदा मामला है तो हमत जो है वो इंसान के अंदर संजीदगी वक़ार डिग्निटी ले कर आती है तो अल्ला हकीम का बंदा बनने के लिए हमत अल्लाह ताला से मांगे कि मेरे अंदर भी हमतना दानाई हो मेरे अंदर वो छोटापन और छिछौड़ापन और हल्कापन ना हो और बात इंसान बड़ा ही एक यानि पढ़ा लिखा और एक मनसब पर होता है लेकिन उसकी आदत होती है लूज़ टॉक करने की और उस लूज़ टॉक करने की वजह से वो हर वक्त किसी न किसी बात को जस्टिफाई कर रहा होता है एक बात इंसान कह देता है एक बात आप सोचे समझे बगैर एक रिमार्क आप दे देते हैं फिर आप अगला बंदा उसको किसी और तरह इंटरप्रेट कर लेता है फिर आप उसको कह रहे होते हैं नहीं नहीं मैं तो मज़ाक कर रही थी नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था सारा आधे से ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव जो काम वक्त था वो किसी और इस तरह की जस्टिफिकेसन्स और फजूल जस्टिफिकेसन्स में आपका गुजर जाता है तो इससे बेहतर है ना कि आप बोलने से पहले सोचें जो हकीम होता है ना दाना वो बोलने से पहले सोचता है कि ये बात जो है ये कैसे पड़ेगी ये इंटरप्रेट कैसे होगी इसका कोई फ़ायदा है या नहीं इससे कोई फसाद तो नहीं जड़ पकड़ लेगा इससे कोई हिबत तो नहीं जड़ पकड़ लेगी और अगर वो समझता है कि इसके अंदर खैर से ज़्यादा शर है तो फिर वो बात वो करता ही नहीं है चाहे उसका दिल चाह रहा हो वो अपने आप को समझा लेता है लेकिन बेवकूफ़ जो है वो बोलने के बाद सोचता है या जस्टिफिकेशनस देने के बाद सोच रहा होता है कि ओहो मैंने ना ही बोलती तो अच्छा था तो लिहाजा हर दफ़ा अपने आप के बारे में यही कहते रहना कि मेरे मुंह से गलती से बात निकल गई तो अपने आप को हम ट्रेन करें और अल्लाह से हमत मांगें मैंने आपको वो दुआ बताई थी सूरतलबकर में कि अल्लाह ताली से मांगें कि अल्लाह मुझे वो हिमत अता फरमा कि जिसको हमत मिल जाए तो उसको खैर कसीर मिल जाती है तो अल्लाह अल हकीम है और हमत वालों को पसंद करता है पुल अयुशन अकबर उशहादा पुल्ला शहीद उम बईनी वै न गुम ए नबी सल वसम इन से कहिए गवाही के तौर पर कौन सी चीज़ सबसे बढ़ कर है कह दीजिए अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरम्यान गवाह है और मेरी तरफ़ ये कुरान वही किया गया है ताकि इसके ज़रिए से मैं तुम्हें और जिस जिस को ये पहुँचे सब को डराऊँ ख़बरदार कर दूँ क्या तुम उसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे मबूद भी हैं कह दीजिए मैं ये गवाही नहीं देता यानी yani, अगर सारी दुनिया ये गवाही देने लग जाए कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है सारी दुनिया ये कहने लग जाए कि अल्लाह ताला ने यह जो कायनात है इस ये अल्लाह ताला ने नहीं बनाई ये एवोल्यूशन के ज़रिए खुद से बन गई है सारी दुनिया कहने लग जाए तो फिर भी तुम ये मत कहना जिसको तोहिद की मारिफत है तुम तुम फिर भी ये गवाही मत देना और ये भी कह दीजिए कि सिर्फ़ वही एक मबूद है और बेशक मैं उससे बरी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं किताब को कुरान को एज़ द लास्ट एंड फ़ाइनल बुक और इसी तरह से रसोल्ला सल्ला वसलम को एज़ लास्ट एंड फ़ाइनल प्रॉफिट इसी तरह सूरतुल्बरा में हमने पढ़ा कि किबला को कि यही है अवलिन किबला और इसी की तरफ दरअसल मुंह करने का हुक्म है रुख करने का हुक्म है तो ये इस तरह पहचानते हैं इन सब चीज़ों को जैसे ही अपने बेटों को पहचानते हैं जिन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला तो वो ईमान नहीं लाते और उस शख्स से बढ़कर कर ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए बेशक ालिम फला नहीं पाएंगे और जिस दिन हम सब को इकट्ठा करेंगे फिर जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे उनसे हम कहेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ख़्याल किया करते थे फिर इस जवाब तलबी पर उनकी माजरत यही होगी कि वो कहेंगे अल्लाह हमारे रब की कसम हम मशरक नहीं थे देखें वो अपने आप पर कैसा झूठ खड़ेंगे और जिन्हें वो झूठे मबूद बना लेते हैं वो सब वहाँ गुम हो जाएंगे और उनमें से बाज वो हैं जो कान लगा कर आपकी बात सुनते हैं जबकि हमने उनके दिलों पर, पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसको समझ ही ना सकें और उनके कानों में रुकावट डाल दी और अगर वो सारी निशानियाँ देख लें तो भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे हती कि जब वो आपके पास आते हैं और आपसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं कि ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं और वो दूसरों को इस हिदायत से रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर रहते हैं और वो अपने आप ही को हलाक कर रहे हैं और वो शूर नहीं रखते और अगर आप इन्हें उस वक्त देखें जब वो आग में खड़े किए जाएंगे तो वो कहेंगे काश एक बार हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो हम अपने रब की निशानियों को हरगिज न झुटलाएंगे और हम मोमिनों में से होंगे नहीं बल्कि इनके वो करतूत ज़ाहिर हो चुके होंगे जिन्हें वो पहले छुपाते थे और अगर इन्हें वापस दुनिया में भेज दिया जाए तो भी वही काम करेंगे जिनसे इन्हें रोका गया था और बेशक वो झूठे हैं और वो कहते हैं कि ज़िंदगी तो बस हमारी दुनिया ही की ज़िंदगी है और हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा और अगर आप इन्हें उस वक्त देखें जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या यह हक़ नहीं है तो वो कहेंगे क्यों नहीं यह हक़ है हमारे रब की कसम तो अल्लाह फरमाएगा फिर तुम अजाब का मज़ा चखो इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे बेशक वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया इसका बहुत बड़ा खसारा है और ये खसारा दुनिया ही से शुरू हो जाता है ये खसारा सिर्फ़ आखिरत के दिन का नहीं है और वही सबसे बड़ा खसरानमबीन तो वही है जो आख़िरत के दिन का खसारा है लेकिन इसका खसारा दुनिया में भी होता है क्योंकि इंसान हर चीज़ अपनी मन मानी करने के आ, मूड में आ जाता है उस मिजाज में आ जाता है अपने नफ्स को अपना इलाह बना लेता है जो आखिरत को जुटलाता है जिसको कोई जवाबदेही का एहसास ही नहीं है आप सोचें कि क्यों कोई अपने हक़ हलाल की कमाई में से अल्लाह की राह में देगा जिस अल्लाह को वो मानते ही नहीं क्यों वो आखिरत में उहद पहाड़ जितने अजर लेने के लिए यहाँ पर कोई अपनी कमाई में से देगा उस आखिरत को तो वो मानता ही नहीं तो लिहाजा ना कोई हलाल कमाएगा ना कोई हलाल खाएगा ना कोई अल्लाह की राह में देगा सब के सब जो हैं वो अपने नफ्स के बंदे बनेंगे और अपने जो जैसे इंडिविजुअलिज्म है ना कि बस मुझे मिल जाए मैं अपनी ज़िंदगी बस बसदरुस्त तौर पर मैं खा पी लूँ मैं इन्जॉय कर लूँ तो आखिरत का जो मुलाकात है उसके इनकार का ख़सारा दुनिया और दोनों है हती कि जब उनके पास कयामत अचानक आ जाएगी तो वो कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी कोताही हुई और वो अपने बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए होंगे खबरदार बहुत बुरा है वो बोझ जो वो उठाएंगे वमल मल दुनिया अल्लाबुन वलद यत्तकून अफला ताकिलून और दुनिया की ज़िंदगी बस खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं यानी इसने ख़त्म हो जाना है इसकी एन्जॉयमेंट बस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है और आखिरत का घर उन लोगों के लिए यकीनन बेहतर है जो परहेज़गारी इख्तियार करते हैं क्या फिर तुम अकल नहीं रखते तो जो लोग कयामत को नहीं मानते अल्लाह ताला की मुलाकात को पसंद नहीं करते तो अल्लाह ताला भी उसको मिलना पसंद नहीं करता रसोल्ला सल्ला वलम ने फ़रमाया कि जो शख्स अल्लाह से मिलना पसंद करता है तो अल्लाह भी उसे मिलना पसंद करता है और जो कोई अल्लाह से मिलना नापसंद करता है तो अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है ए नबी सल्ला वसलम हम जानते हैं कि बेशक आपको वो बात गमगीन करती है जो वो कहते हैं बस बेशक वह आपको नहीं छुटलाते बल्कि दरअसल ये ाल तो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और ए नबी अलैहि वसल्लम बेशक आपसे पहले बहुत से रसूल झुटलाए गए तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ़ दिए जाने पर सब्र किया हती कि उनके पास हमारी मदद आ पहुँची और अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं और यकीन आपके पास रसूलों की कुछ खबरें आ चुकी हैं और अगर इन लोगों यानि काफिरों का हक़ से मुँह मोड़ना आपको नागवार है तो अगर आप में ये ताकत है कि आप ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लें फिर आप उनके पास कोई निशानी ले आएं, तो ऐसा कर गुजरें और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर जमा कर देता चुनाचे आप नादानों में से ना हो जाएं। हक़ को कबूल तो सिर्फ वो करते हैं जो सुनते हैं और जहां तक मुर्दों का मुर्दों का यानी काफिरों का ताल्लुक है तो अल्लाह उन्हें उठाएगा फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को इस हाल में पैदा किया गया है कि वो आज़माइश में मुबतला होने वाला तौबा करने वाला और भूलने वाला होता है जब उसको नसीहत की जाती है तो वो उस नसीहत को कबूल कर लेता है तो मौत से बढ़कर कोई तस्क़ीर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि मौत को जो कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली है उसको कसरत से याद किया करो तो जब क़ुरान में वो आयात आ रही हों कि जहाँ पर मौत का ज़िक्र हो तो इंसान की तस्कीर का पीक होता है तो इंसान को ज़रूर उस वक्त डरना चाहिए अल्लाह ताला से कोई पनाह इस दुनिया में नहीं मिल सकेगी सिवाय अल्लाह ताला की पनाह के और ना ही आखिरत में और उन्होंने कहा इस नबी पर उसके रब की तरफ़ से कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई कह दीजिए बेशक अल्लाह उस पर कुदरत रखता है कि कोई बड़ी निशानी नाजिल फ़रमाए लेकिन लोगों में से अक्सर इल्म नहीं रखते और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर और अपने दोनों परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरह अलग उम्मत ना हो हमने किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसका ज़िक्र ना किया हो फिर वो सब अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे आप कभी स्टडी करें जोआलजी बॉटनी आप बर्ड्स को स्टडी करें अल्लाह तज़े के फरमाइश के बाद ये आयत रखी है कि ये सब मज़े हैं इनको देखो यानी आयात कौनिया पर गौर विक्र करो अल्लाह तला की मख़लूकात पर गौर वफ़िक करो ये मज़जात हैं तुम्हें अगर ये मुजजा चाहिए कि सूरज जो है वो आज के दिन तुलू ना हो या आज के दिन रूब ना हो या इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता या पिछले अम्बिया कराम को जो मोजात दिए गए थे तो उनको इस तरह की किताब नहीं दी गई थी जिसके अंदर हर हर बंदे के लिए सेटिस्फेक्शन इस किताब के अंदर है हमारे आ, इसी आ, अलुदा के पिछले बैच में दो आ, ब्लाइंड स्टूडेंट्स थी एक टोटली ब्लाइंड और एक पार्शली ब्लाइंड अल्लाह ताला ने उनके लिए भी कुरान हकीम को खोला है हमने उनके लिए कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं किया अलग से उसी क्लासरूम में वो बैठी हैं सबके साथ उन्होंने पढ़ा है सबके साथ ही उन्होंने इम्तिहान दिया है और उनमें से एक ने तो टॉप किया है और एक आगे पढ़ रही है तो ये कुरान एक ऐसे इंसान के लिए भी हिदायत है और कोई अगर बड़े से बड़ा साइंसदान भी है तो उसको भी ये चैलेंज है ऐसे ऐसे इसके अंदर पेशीन गोईयाँ हैं ऐसे ऐसे इसके अंदर साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं जो अब मुश्किल से डिस्कवर होते हैं और कितना पेन स्टेकिंग होता है बीस बीस साल के बाद एक डिस्कवरी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिले और अल्लाह ताला ने उसको एक जुमले में बयान कर दिया है तो ये किताब मज़ा है इसके अंदर हर इंसान के लिए हिदायत है कितने रूरल एरियाज़ हैं कि जहाँ पर अनपढ़ लोग भी इस कुरान को पढ़ के इसको समझ रहे हैं कोई पांचवी जमात में है कोई पांचवी जमात पढ़ के आया है कोई पचास साल की है और वो पाँच जमातें पढ़ी हुई है उसको अब अपना नाम भी नहीं लिखना आता तो पहले अरफ बे सीखती है और फिर उसके बाद कुरान पढ़ती है और कुरान उसके लिए भी राय हिदायत है और कुरान पढ़े लिखे हुए के लिए भी राह हिदायत है तो ये है मुज़ा आप देखें खोल आँख जमीं देख फलक देख फ़ज़ा देख मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख पढ़ें देखें इनकी कितनी स्पीशीज़ हैं इनके क्या हैबिटेट्स हैं इनकी क्या आदात हैं ये रिस्क कहाँ से लाते हैं इनके ये कहाँ से चुन चुन के दाने ला ला के अपने नेस्ट के अंदर पहुँचते हैं वो नेस्ट ये कैसे बनाते हैं किसने इनको इतनी ये तख्लीक की और इतनी इंजीनियरिंग की सारी वो दे दी कि ये तिनके कहाँ कहाँ डालने हैं हम एक मकान बनाते हैं जब तक किसी का एक्सपर्टीज़ ना हो वो आर्किटेक्चर नहीं कर सकता हम नहीं बता सकते ईंटें कहाँ लगनी हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लगनी होती हैं और फिर कहीं जा कर छत बनती है तो आ, हर एक परिंदा जानता है कि मैंने नेस्ट कैसे बनाना है हर एक जानता है ये अल्लाह ताली ने इनको दिया है इनके बाकी रहने के लिए दिया है इनके दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए दिया है तो ये है मज़े इंसान की अब जो अक़ल है ना वो इतनी तरक्की कर गई कि वो जो मुजात पिछले अम्बिया कराम को दिए गए थे उनमें लोगों की अकलें इतनी तरक्की याफ़्ता नहीं थीं अब इंसानी अक़ल दिन बदिन दिन ब दिन, दिन, दिन नए से नए जो आ, डिस्कवरीज़ हैं वो करती चली जा रही है नए से नए ओलूम अब आप देखें पहले कहते थे फ़लाँ इंटेलिजेंट है फ़्लां इंटेलिजेंट नहीं है बस एक एक डिवीज़न थी अब क्या है जी कि कितनी किस्म की इंटेलिजेंसेस हैं कोई कहता है आठ हैं कोई कहता है उससे भी ज़्यादा हैं और अब तो कहते हैं कि अन इंटेलिजेंट तो कोई होता ही नहीं है कोई एक तरह इंटेलिजेंट है तो कोई दूसरी तरह इंटेलिजेंट है तो इस तरह से जिस तरह इरतका हो रहा है इंसान की अक्ल का तो कोई भी और हिस्सी मोजा उस चीज़ को सेटिस्फाई उन अकलों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था या उन अकलों के लिए चैलेंज नहीं बन सकता था जिस तरह से कि क़ुरान बनता है और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो अंधेरों में बहरे और गूंगे हैं अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जिसे चाहे सीधी राह पर ले आता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो बताओ कि तुम अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो बताओ क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो बल्कि तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे फिर अगर वो चाहेगा तो वो तकलीफ़ दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारोगे और तुम उन्हें भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो और बेशक हमने आपसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे फिर हमने उन उमतों को सख्ती और तकलीफ़ के साथ पकड़ा ताकि वो आर्जी इख्तियार करें फिर जब उन पर हमारा अज़ आया तो उन्होंने आज़ी क्यों ना इख्तियार की लेकिन उनके दिल सख्त हो गए और जो अमल वो करते थे उसमें शैतान ने उनके लिए कशिश पैदा कर दी थी फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए हती कि जब वह उन चीज़ों पर इतराने लगे जो उन्हें दी गई थी तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया फिर वह नाउमीद होकर रह गए हसन बसरी रह कहते हैं कि अल्लाह जिस पर दुनिया को वसी कर दे और उसको ये समझ ही ना आए कि अल्लाह उसके साथ चल रहा है उसे ढील दे रहा है तो ऐसे शख़्स के पास कोई बसीरत नहीं और जिस पर अल्लाह दुनिया तंग कर दे लेकिन उसे ये समझ ना आए कि अल्लाह ने उसके लिए खैर का फ़ैसला किया है तो उसके पास भी कोई अकल नहीं यानी अक्ल तो वो है जिसके पास बसीरत हो और जो अपने ऊपर आने वाली आजमाइशों की वजूहत को और हकमतों को समझ रहा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम देखो कि अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी नाफरमानियों के बावजूद दुनिया में उसे वो कुछ अता फरमा रहा है जो वो चाहता है तो ये इसतदराज है फिर नबी सल्ला वसलम ने यही आयत तिलावत फरमाई कि फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर ख़ुशहाली के तमाम दरवाज़े खोल दिए यहाँ तक कि जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसमें वो मगन हो गए तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया तो वो हर ख़ैर से मायूस हो गए तो लिहाजा जब भी इंसान के ऊपर कोई आजमाइश है चाहे वो तंगी की आजमाइश है चाहे वो खुशहाली की आजमाइश है इंसान को अल्लाह का बंदा बन के रहना है अपने आप को हर हाल में चेक करते रहना है फिर उस कौम की जड़ काट डाली गई जिन्होंने जुल्म किया था और तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है ए नबी वसल्लम इनसे कह दीजिए अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो बताओ अल्लाह के सिवा कौन मबूद है जो तुम्हें ये चीज़ें ला दे कितने लोग हैं कि जो बिल्कुल आंखों के साथ और कानों के साथ पैदा होते हैं लेकिन ज़िंदगी में कोई स्टेज आती है कोई हादसा होता है कोई बीमारी आती है और वो नेमत छिन जाती है और फिर वो वापस ही नहीं आती हमारे पास जो एक बच्ची जो ब्लाइंड स्टूडेंट थी वो बिल्कुल ठीक पैदा हुई थी उसको बचपन में टाइफाइड हुआ जिससे उसकी नज़र चली गई देखिए किस तरह हम आए थे हैं। फेर फेर कर बयान करते हैं फिर भी वो मुँह मोड़ते हैं कहिए है, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए तो बताओ क्या जालिमों के सिवा कोई और लोग भी हलाक किए जाएंगे? और हमने कोई रसूल ऐसे नहीं भेजा जिसे खुशखबरी देने वाला और डराने वाला न बनाया हो फिर जो शख्स ई ले आए और अपनी असलाह कर ले तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें इस नाफरमानी की वजह से अजाब पहुँचेगा जो नाफ़रमानी वो करते थे ए नबी सल्ला वम कह दीजिए मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना मैं ग़ैब जानता हूँ और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ मैं तो उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ़ वही की जाती है कह दीजिए क्या ना बीना और बीना बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते ना तो फिर क्या तुम गौर नहीं करते और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को डराएं जिन्हें डर रहता है कि वो अपने रब के पास इकट्ठे किए जाएंगे वहाँ उसके सिवा उनका कोई दोस्त और सिफारशी ना होगा शायद कि वो परहेजगारी इख्तियार करें और उन लोगों को अपने से मत दूर करें जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं वो अपने रब का चेहरा चाहते हैं उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ आप पर नहीं और आपके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ उन पर नहीं फिर अगर आप उनको अपने से दूर करेंगे तो आप िमों में से हो जाएंगे यानी वो लोग के जिनको माशरे में कोई एक्सेप्टेंस है सच नहीं है मुआशी लिहाज से भी वो कमज़ोर हैं कोई उनका लिनिएज भी ऐसा नहीं है तो कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि इनको अपने पास से आप हटाएं तो फिर हम आपके पास बैठें और फिर हम आपकी कोई बात सुने तो बाज़ात ये भी आ, कहा जाता है कि साहबा को होता था कि अगर ये कह रहे हैं मतमबिन नदी और उमैया बिन खलफ़ और इस तरह के जो सरदार थे जो कहते थे कि इनको हटाओ बिलाल को हटाओ पास से और ख़ुबैब को हटाओ तो हम आ जाते हैं और हम बात सुनते हैं तो बाद सहाबा ने बाज़ात ये भी आता है कि उन्होंने कहा कि कर लेते हैं सल्लल्लाहु सल्ला वसलम हमें कोई इशू नहीं है आप इनसे बात कर लें अगर ये अलीहदगी में बात सुनते हैं तो आप सुना लें इनको हमारे बगैर बात तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं जिसने आना है वो इसी मजलिस के अंदर आएगा और ये बहुत बड़ा लेसन है ये बहुत बड़ी नसीहत है कि दीन के अलमबरदारों को कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए और बल्कि जो हमें अपने असलाफ से जो तरीका मिलता है वो तो ये मिलता है कि वो उम्र और वज़रा और बादशाहों के दरबारों में जाने से वो अवॉइड करते थे वो नहीं जाते थे वो कतराते थे इमाम मालिक रही को जब हारून रशीदालिबन ख़लीफ़ा ने कहा था कि मेरे दोनों बच्चों को मोता इमाम मालिक पढ़ा दो आकर तो उन्होंने कहा था ये आ जाए मैं पढ़ा दूंगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा दरबार में और महल में अल्लाह को पता है कि कौन हकीर है और कौन उसकी नज़रों में कहाँ से कहाँ लेवल्स में पहुँचा हुआ है इन नकरमकम इन लाही और हमने इसी तरह लोगों में से बास को बास के ज़रिए से आज़माइश में डाला है ताकि वो उन्हें देख कर कहें क्या हम में से ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है यही कहते थे ना अबू जहल कहता था बनी हाशिम का यतीम हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे और आपकी लीनियत जो है वो बड़ी बुलंद थी बनु हाशिम में से थे आप जो एक बहुत एलीट कबीला था लेकिन जब आप अलैहि वसल्लम नबी बने तो अबू जहल ने फिर वो एक जो उस माशरे की दुखती रख थी उसको ही वो पकड़ सका और कहा कि हम यत, बनी हाशिम के यतीम की बात मान लें और इसी तरह से आ, ये जो बाकी साहबा थे जो गुलाम थे कोई किसी किस्म की कोई लोहार था अमार बिन यासर उनके वालिद यासिर और सया उनकी वालिदा ये सब कौन लोग थे कोई ग़ुलाम था कोई गुलामी से आज़ाद हुआ हुआ था तो ये कहते थे अच्छा अल्लाह को ये मिले हैं जन्नत में भेजने के लिए तो आप देखें कि अल्लाह ताला किस के लिए जन्नत बनाएगा और ग़रीब लोग तो बहुत जल्दी पहुंच चुके होंगे जन्नत में और अमीर लोग तो अपने हिसाब किताब दे रहे होंगे अमीर लोगों में जिनको अल्लाह ने माल व दौलत दे रखा है उनके बारे में एक हदीस का मफहम आता है कि बहुत कम उनमें से ऐसे हैं कि जो आगे पीछे और दाएँ और बाएँ ख़र्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में वरना इनमें से अमूमन तो वकील होते हैं जब नहीं होता तो तब इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब अल्लाह देगा तो हम देंगे और जब अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के दे देता है तो उस वक्त फिर ले तो लाल करते हैं उस वक्त फिर आ, बहाने तराशते हैं उस वक्त फिर आ, आ, उसको करने लग जाते हैं ज़कात को भी अवॉइड करने लग जाते हैं नफली सदक़ तो क्या फ़र्ज सदक़ भी उनके लिए भारी और मुश्किल हो जाते हैं तो ये तो अल्लाह को पता है कि उसने किस को जन्नत में क्या मर्तबा और मकाम देना है दुनियावी मर्तबा और मकाम अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता हाँ क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज़्यादा नहीं जानता हाँ अल्लाह जानता है कि उसने किस को हिदायत देनी है और उसके बदले में किस को जन्नत देनी है और जब वो लोग आपके पास आएँ जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिए तुम पर सलाम हो तुम्हारे रब ने मेहरबानी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है यानी उनको पास से हटाना तो दूर की बात उनको सलाम किया करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है और एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला तख्ली कायनात से फ़ारग हो गया तो उसने अर्श पर लिख दिया इन नहमती तगलबी मेरी राहमत मेरे गज़ब पर गालिब है बेशक तुम में से जो शख्स जहालत से बुरा अमल करे फिर उसके बाद तोबा करे और इसलाह कर ले तो यकीनन वो बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है एक शख़्स रसूल सल्ला वसम के पास आया और उसने कहा कि ऐसे आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिसने सारे गुनाहों का इरतकब किया हो और कोई गुनाह न रहने दिया हो इस सिलसिले में उसने अपनी हर छोटी बड़ी आ, यानी अच्छी बुरी हर हाजत और ख्वाहिश पूरी कर ली हो क्या उस शख्स के लिए भी कोई तोबा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तुम मुसलमान हो गए हो उसने कहा बिलाशुबा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ऐसे शख़्स की तोबा कबूल हो सकती है तुम अमले साले करते रहो और बुराइयों को तर्क कर दो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा सुबहान अल्लाह उसने कहा मेरे तमाम फरेबों और बदकारियों को भी आपने फ़रमाया हाँ फिर वो शख़्स अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहता हुआ उठा और चला गया और हम इसी तरह आयात को तफ़सील से बयान करते हैं ताकि मुजरमों का रास्ता बिल्कुल वाज़ हो जाए ए नबी सल वसल्लम कह दीजिए बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलता इस सूरत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं हिदायत पाने वालों में से ना हूँगा कह दीजिए बेशक मैं अपने रब की तरफ से वाज दलील पर हूँ और तुमने इस दलील को झुटलाया है मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह ही को है वही हक-बात बयान करता है और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है कह दीजिए बेशक अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसे तुम जल्दी तलब कर रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामला कभी का चुका दिया गया होता और अल्लाह ाल को खूब जानता है व इनदू मफ़ातुल ग़ैबी ला या व यालम माफिल बर्रीवल बहर और उसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता और वो जानता है जो कुछ खुशकी और तरी में है और कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जिसे वो जानता ना हो और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना ऐसा नहीं जिसे वो जानता ना हो और कोई तर चीज़ और कोई खुश्क चीज़ ऐसी नहीं जो वाज किताब में लिखी हुई ना हो और वही है अल्लाह जो रात को तुम्हें फौत करता है और वो जानता है जो कुछ तुम दिन में करते हो फिर दूसरे दिन तुम्हें उठाता है ताकि ज़िंदगी की मुकर मुद्दत पूरी हो फिर उसी की तरफ तुम्हें तुम्हारी वापसी है फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो हमारा रात का सोना भी इबादत बन सकता है अगर हम रात को जो सोने के एटिकेट्स हैं वो पूरे करके सोएं ऐसी ऐसी खूबसूरत दुआ हमें सिखाई गई है रात को सोने से पहले वो पढ़ें जिन लोगों को बेखाबी बेखाबी कहते हैं ना उसको नींद ना आने को इंसामिया का मसला है तो वो ये दुआएं पढ़ें उनको सारे मसाइल दूर हो जाएंगे ऑनेस्टली ऐसी मीठी नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा कि कब सो गए शुरू करें आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ें मुआवज़ात पढ़ें तीन तीन मरतबा पढ़ें उनको अपने ऊपर रब करें उसके बाद जो मसनून दुआएँ हैं वो पढ़ें और आप देखेंगे कि आपको कितनी पुरसकून नींद आती है और फिर आप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं अल्लाह की और शैतान उस रात के लिए आपसे दूर हो जाता है तो इससे बढ़कर और इंसान को क्या चाहिए और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर मुहाफिज फ़रिश्ते भेजता है हती कि जब तुम में से किसी एक की मौत का वक्त आता है तो हमारे फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और वो उसमें कोताही नहीं करते यानी इंसान के लिए एक तो किरामन कातबीन है जो उसके दाएं और बाएं तरफ हैं और वो उसके सारे अमाल लिखते हैं फिर अल्लाह सुबहान उनकी बारियां बनाई हुई हैं हदीस में आता है रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो फजर और असर की नमाज़ में इकट्ठे हो जाते हैं और ये वो वक्त हैं कि जब वो बारियाँ जो है ना ड्यूटीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं और फिर अगर वो उस बंदे को उस वक्त टाइम पर नमाज़ पढ़ता हुआ पा लेते हैं तो ये भी उसके रिकॉर्ड में चला जाता है कि इसने वक्त पे नमाज़ पढ़ी और हमने जब इसको छोड़ा तो हमने नमाज़ की हालत में पाया और जो आने वाले हैं वो कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो ये नमाज़ पढ़ रहा था तो ये एक एडिड गवाही है जो लिख ली जाती है वरना अगर वो ज़रा अलॉटेड uh, टाइम में ज़रा लेट होकर भी पढ़ता है तो लिखा तो वो भी जाएगा लेकिन वो जो एडिड गवाही है वो फिर उसकी रह जाती है क्योंकि वो पहले जब फरिश्तों की बारियां चेंज होती हैं जब वो आते हैं जाते हैं उस वक्त वो लिखा जाता है और फिर जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो ये मुहाफ़ फ़रिश्ते हट जाते हैं और मलकुल मौत अपनी टीम लेकर आ जाते हैं और कोई एक सेकंड की भी वो कोताही नहीं करते जो अल्लाह का दिया हुआ टाइम है उस टाइम के ऊपर वो पहुंच जाते हैं फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं जो उनका सच्चा मालिक है ख़बरदार फैसले का सारा इख्तियार उसी को हासिल है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम्हें खुशकी और तरी के अंधेरों से कौन निजात देता है तुम उसे आहज़ारी करते हुए और चुपके चुपके पुकारते हो और कहते हो कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे कभी जहाज़ सख्त किसी एयर पॉकेट के अंदर आ जाए और टर्बुलेंस हो तो इंसान कितना अल्लाह को याद करता है कहीं अगर आप यूट्यूब पर देखें ना तो कई शदीद टर्बुलेंस वाली कई वीडियोज़ बनी हुई हैं वगर आप कभी देखें मैंने एक आधी दफ़ा देखी मुझे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई लोग हैं कि जो इस चीज़ में से भी गुज़रे हैं कोई तकबीर कह रहा है कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है कोई कले में पढ़ रहा है और विद कर रहा है और ऊपर से वो खुल रहे हैं जहाज की वो जो शेल्व हैं और सामान गिर रहे हैं लोगों के और बिल आखिर बहर हाल पॉकेट में से निकला और वो लैंड कर गया बात फिर नहीं भी करते ऐसे में जिस तरह से आप आहुजारी से अल्लाह तला को पुकारते हैं ना तो फिर खुशकी पर आते ही उसी वक्त अल्लाह को भूल जाना हती कि उस वक्त कोई अगर अल्लाह से तोबा किया है कोई वादा किया है तो वो भी उसी वक्त भूल जाना जो ही अल्लाह ताला आफ़ीत दे तो ये इंसान का बड़ा ही हल्कापन है उस वक्त शुक्रगुजारी के वादे करना और बाद में फ़ौर ना शिक्रे हो जाना कह दीजिए अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से और हर ग़म से निजात देता है फिर भी तुम उसके साथ शिरक करते हो कह दीजिए वही उस पर कुदरत रखता है कि तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम पर अजाब भेजे या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके एक गिरोह को दूसरे की ताकत का मज़ा चखाए ये भी बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई कि, कि किसी भी जमात में किसी भी इदारे में इतनी रिफ्ट्स आ जाएं इतनी फ़्रिक्शन आ जाए लोगों में कि लोग धड़े बंदियाँ कर लें और एक दूसरे की ताकत का फिर अल्लाह ताला उनको मज़ा चखाए कोई एक के बारे में कुछ कहे दूसरा उसके बारे में कुछ लिखे तीसरा उसके बारे में कोई और प्रोपेगेंडा करे हर कोई अपने अपनी सलाहियतों के मुताबिक तंग करे दूसरे को तो ये सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से देखिए हम किस तरह आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि वो समझें और इस कुरान को आपकी कौम ने झुटलाया हालांकि वो हक है कह दीजिए मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ हर एक ख़बर का वक्त मुकर है और जल्द ही तुम जान लोगे और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर नुकत चीनी कर रहे होते हैं तो आप उनके पास से हट जाएँ यहाँ तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाए और अगर शैतान आपको ये बात भुला दे तो याद आने पर उन जालिम लोगों के पास मत बैठें इनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं लेकिन नसीहत करना उनका फ़र्ज़ है ताकि वो वो भी परहेज़गारी इख्तियार करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया है यानी दीन भी खेल तमाशे के तौर पर ही अपनाया है कोई अप्रिसशन चाहने के लिए कोई तारीफ़ें चाहने के लिए कोई दुनियावी कोई मनसब चाहने के लिए या कोई थोड़ा बहुत माल चाहने के लिए और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है इतना बड़ा धोखा कि इंसान ने दीन को भी दुनिया कमाने का ही ज़रिया बना लिया इतना बड़ा धोखा दे गई बाज़ लोगों को दुनिया और आप इस क़ुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहिए ताकि कोई शख्स अपने करतूतों के बबाल से हलाक ना हो जाए अल्लाह के सिवा कोई उसका दोस्त और सिफ़ारशी न होगा और अगर वो बदले में हर तरह का फदिया दे तो वो भी उससे नहीं लिया जाएगा यही वो लोग हैं जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी वजह से उन्हें हलाक कर दिया गया और जो वो कुफर करते रहे हैं उसकी वजह से उन्हें दोजख में तेज़ गर्म पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए क्या हम अल्लाह के सिवा उनको पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और जब अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है तो क्या उसके बाद हम उल्टे पाँव फिर जाएँ उस शख़्स की तरह जिसे शैतानों ने ज़मीन में बहका दिया हो वो ज़मीन में हैरान फिरता हो उसके कुछ साथी हों जो उसे सीधी राह की तरफ़ बुलाते हों कि हमारे पास आ जा कह दीजिए बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम सब जहानों के रब के फरमा हो जाए और ये कि नमाज़ कायम करो और उस अल्लाह से डरो और वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा तो हशर बरपा हो जाएगा कॉल उसी का हक है और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की हकूमत होगी वो छुपी और जाहिर सब बातों को जानने वाला है और वही हमत वाला ख़बर रखने वाला है और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा क्या तुम बुतों को मबूत ठहराते हो बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़े देखता हूँ और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए चुनाचे जब उस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलाम ये मेरा रब है फिर जब वो ग़रूब हो गया तो कहा मैं गरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता यानी एक जो फितरी तकाज़े थे ना तोहद के वो दिल के अंदर थे और वो हर इंसान के अंदर होते हैं अगर हम उनको उजागर कर लें अगर हम उनको वक्त पर पॉलिश कर लें कि अगर सितारा है ग़रूब हो गया है ग़रूब होना तो कोई एक जवाल की अलामत है, तो फिर ये रब कैसे हो सकता है तो एक ऐसी हस्ती जिसकी तलाश इंसान की फ़ितरत के अंदर है जिसको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि ये तलाश तो मौजूद है इंसान के अंदर कि जिसका इंसान को ओ हो जिसके इंसान रोब में हो लेकिन उसके बाद वो बात को घुमा फिरा कर इस तरफ को ले जाते हैं कि वो पहाड़ भी हो सकता है समंदर भी हो सकता है कोई इंसान भी हो सकता है और हाँ जो रिलीज़स लोग हैं उनके लिए वो कोई ख़ुदा जिसका उनका तस्वुर है वो भी हो सकता है तो आप सोचिए कि कितनी गुमगश्तगी है और कितनी इब्राहीम की अक्ल सलीम थी और दिल सलीम था कि उनको समझ आ गई कि सितारा ग़रूब हुआ है इसका रुबूबियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है फिर जब उसने चाँद चमकता हुआ देखा तो कहा यही मेरा रब है फिर जब वो गरूब हो गया तो उसने कहा अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो यकीनन मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा फिर जब उसने सूरज को जगमगाता हुआ देखा तो कहा यह मेरा रब है ये सबसे बड़ा है फिर जब वो भी रूब हो गया तो उसने कहा ए मेरी कौम बेशक जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूँ बेशक मैंने अपना चेहरा उस की तरफ मरकूज कर लिया है इन्नी वजह तो वजह फतरस समावाती वर्द हनीफ़ा वमा अनुमशरक़िन बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ मरकूज कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया मैं उसी अल्लाह का परस्तार हूँ और मैं मुशरक़ों में से नहीं हूँ और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया तो उसने इब्राहिम इब्राहीम ने कहा क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो हालांकि उसी ने मुझे हिदायत दी है और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसके शरीक ठहराते हो हाँ अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो ज़रूर हो सकता है मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है क्या फिर तुम नसीहत हासिल नहीं करते और मैं उनसे क्यों डरूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो जबकि तुम उस बात से नहीं डरते कि तुम उनको अल्लाह के शरीक ठहराते हो जिनकी उसने तुम पर कोई दलील नाजिल नहीं की तुम तो अल्लाह से ना डरो और मैं बुतों से डर जाऊं बस दोनों फरीक़ों में से कौन अमन का ज़्यादा हकदार है बताओ अगर तुम जानते हो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक के साथ खल्ट मल्त नहीं किया उलाकमन वहम महतदूँ ये वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं दुनिया में भी लाखन वलाहुम यज़नूँ कब्र में भी अमन कब्र के ट्रायल से कब्र के फ़ितने से कब्र के सवाल जवाब में साबित कदम रहने वाला अमन और फिर इसी तरह हशर के दिन का अमन हशर के दिन की गर्मी से अमन वो पचास हज़ार साल का दिन मोमिन के लिए इतना बन जाएगा जितना एक कैलूले का टाइम होता है अल्लाह और फिर इसी तरह से पुल सिरात पर अमन से गुज़र जाना और इसी तरह से हर हशर की जो घबराहटें हैं और जो तंगियां हैं बेसर सामानियां हैं उनमें ये लोग अमन में होंगे जिन्होंने शिरक नहीं किया और ये है हमारी दलील जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में दी थी हम जिसे चाहें उसके दर्जे बुलंद करते हैं बेशक आपका रब बहुत हमत वाला खूब जानने वाला है और हमने इब्राहीम को इसहाक़ और याकूब अता किए हमने सबको हिदायत दी और उससे पहले हमने नू को हिदायत दीलम और उसकी औलाद में से दाऊद सलेमान एयूब यूसुफ मूसा और हारून आसलम को भी हदायत दी और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं और हमने ज़करिया याहिया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी वो सब नेक लोगों में से थे और हमने इस्माइल, अलसा यूनुस और लूत अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी और उन सब को हमने जहानों पर फजीलत दी और कुछ को उनके बाप दादा उनकी औलाद और उनके भाइयों में से और हमने उन्हें चुन लिया और सीधी राह की तरफ हिदायत दी ये अल्लाह की हिदायत है वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसकी तरफ रहनुमाई करता है और अगर वो लोग शिरक करते तो जो वो अमल करते थे बर्बाद हो जाते ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब हकमत और नब्त दी थी अब अगर ये लोग इस हिदायत को मानने से इनकार करते हैं तो बेशक हमने उसके लिए ऐसी कौम तैयार की है कि वह उनका इनकार करने वाली नहीं ये लोग ये लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी लिहाज़ा ए नबी आप भी इनके तरीक़े की पैरवी करें कह दीजिए मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता ये तो तमाम दुनिया वालों के लिए नसीहत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्बिया कराम की इतदा की हिदायत की जा रही है कि जिस रास्ते पे वो चले जिस साबित कदमी के साथ वो चले आप भी उसी सबित कदमी के साथ रहिए और अम्बिया कराम ही को नबी सल्हलम की उम्म के लिए भी उसवा हसना बनाया गया है व माँ क़दरल्ला हक का कदरी और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह उसकी क़दर करने का हक हाँ है जिस वक्त उन्होंने कहा अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की कह दीजिए फिर वो किताब किसने नाजिल की थी जिसे मूसा लाए थे अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी जिसे तुम मतफ्रक और आंक में नकल करते हो उसमें से कुछ तुम जाहिर करते हो और बहुत कुछ छुपा लेते हो और उस किताब के ज़रिए से तुम्हें वो इल्म दिया गया था जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को कह दीजिए वो अल्लाह ने नाजिल की थी फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए वो अपनी नुकता चीनीों में खेलते रहें और ये किताब कुरान मजीद हमने इसे नाजिल किया है ये बरकत वाली तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो उससे पहले आई थी ताकि आप उम्मुल क़ुरा यानी मक्का और उसके आस पास वालों को डराएं और जो लोग आख़िरत पर ईमान रखते हैं वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं और उससे ज़्यादा कौन है जो अल्लाह पर झूठ घड़े या कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई नबी अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी दौर में ही एक झूठा नबी जो है वो उभरा था मुसैम जिसने कहा था कि मैं नबी हूँ तो नबी सल्ला वसलम ने फ़रमाया था वापसी उसको कि मुसैमा कज़ाब उसने कहा था मोहम्मद रसोल्ला की तरफ़ सल्लल्लाहु सल्ला वम मुसलमा रसोल्ला की तरफ से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी लिखवाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ से मुसलमा कज़ाब की तरफ़ और नाम कौन सा फिर उसके साथ चिमट गया वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था फ़रमाया था वो नहीं जो उसने ख़ुद अपने लिए दावा किया था तो उसके बाद भी ऐसे दावेदार रहे हैं उम्मत में और फिर एक फितना जो सब कॉन्टिनेंट से उठा और उसमें भी झूठी नबूवत का जो दावा किया गया तो ये बहुत बड़े मजालिम में से एक जुल्म है उससे बड़ा जालिम कौन होगा ये कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुनाह है और ये सिर्फ ऐसा कबीरा गुनाह नहीं है कि जो इंसान की जो है बस कबायर में लिखा जाएगा ये इंसान को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करता है नबूवत का दावेदार जो है वो ख़ुद भी और उसके पैरोकार भी दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं ये साहब कराम ने आ, उनके साथ आ, जिहाद किया था मुसलमा कज़ाब और उसकी कौम के साथ तो इस पर सहाबा का भी इजमा है और उसके बाद आ, उम्मत के का भी इस बात पर इजमा है और जिसने कहा कि मैं भी ऐसी चीज़ नाजिल कर सकता हूँ जैसी अल्लाह ने नाजिल की है काश आप ालिमों को देखें जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते ये कहते हुए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कि निकालो अपनी जाने आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा और इससे भी अजाब कब्र का एक जो दलील है वो ली जाती है कि उस वक्त फरिश्ते कह रहे हैं कि आज तुम्हें जिलत का अजाब दिया जाएगा अभी हालांकि क़यामत तो आनी है तो ये आज क्या है ये मौत के वक्त की और बरज़ख की जो ज़िंदगी है यानी क़बर की उसकी बात है क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बातें घड़ते और उसकी आयतों से तकबर करते थे और यकीनन तुम हमारे पास अकेले आए हो जिस तरह के हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया और हमने तुम्हें जो कुछ अता किया वो तुम अपने पीछे छोड़ आए हो हर प्रोटोकॉल हर माल दौलत हर इज्जत, हर हसब नसब पीछे एक वो सफ़ेद कफ़न और उसके अंदर लिपट के तो इंसान उस क़बर के अंदर चला जाता है ये जो हमारे यहाँ रवाज है ना संग मरमर की और बड़ी बड़ी कब्रें बनाना और उनको नक्शो नगार से आरास्ता करना ये भी दरअसल हमारे अकीद आखिरत के कमज़ोरी का एक, आ, एक अलामत है एक निशानी है क्योंकि अंदर तो जो हो रहा है उसका तो हमें पता नहीं है और ऊपर हम उसको सजा बना रहे हैं उस क़बर को हम क्या समझते हैं ये कबर सजी बनी जो है ये उस अंदर बंदे के काम आएगी ये उसके ख़िलाफ़ हजत तो हो सकती है अगर वो यही तालीम देकर गया है अपनी औलाद को उसके हक़ में कभी भी हजत नहीं बन सकती नबी अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के दिनों में जो वसीयतें फ़रमाई हैं उसमें एक वसीयत ये थी कि अल्लाह ताला लानत करे यहूद नसारा पर कि जब इनके अंबिया और बुज़ुर्ग जो हैं वो वात पाते तो उनकी कबरों को ये इबादत गाह बना लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते थे कि अल्लाह मेरी कबर को वसन न बनाना यानी यही इसी तरह के लोग आएँ और क़बर के ऊपर और नज़र न्याज चढ़ाएँ और आके चादरें चढ़ाएँ और उसको रौनक की मेले ठेले की जगह न बना देना आप अपने मुल्क में देखिए कि कितनी कब्रें हैं कि जो रौनकों की और मेलों ठेलों की और वहीं पर फिर नशा भी मिल रहा होता है वहीं पर फिर कई दफ़ा अगवा हुए हुए बच्चे बरामद हो रहे होते हैं क्या ये जगहें हैं कि यहाँ पर अल्लाह को छोड़ कर क़बरों को सजदा किया जा रहा होता है और अल्लाह को छोड़ कर मरे हुए लोगों को जो अपने लिए भी कुछ इख्तियार नहीं रखते उनसे मांगा जा रहा होता है तोहीद जो है ना वो बहुत से बरकतें भी लेकर आती है अपने साथ जिन जगहों में जिन इलाकों में जिन ममालिक में तोहीद नाफज होती है उनकी ज़मीन भी सोने उगलती है और उनकी इकानमी भी फ्लरिश करती है और जहाँ शिरक़ की नहूसत हो वहाँ पर वही होता है कि जो हम अपने मुशाहिदे से देख रहे हैं तो उस दिन तो कोई सिफ़ारशी भी नहीं होगा साथ अल्लाह ताला फ़रमाएंगे और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे वो सिफ़ारशी नहीं देख रहे हैं जिनकी बाबत तुम्हारा दावा था कि बेशक वो तुम्हारी बंदगी में अल्लाह के शरीक हैं इनसे तुम्हारा ताल्लुक यकीन टूट गया है और वो तुमसे खो गए हैं जिन्हें तुम अपने मबूद समझते थे जब हम किसी को पीराने पीर कहते हैं जब हम किसी को गौ आज़म कहते हैं जब हम किसी को मुश्किल कुशा कहते हैं या वो जो एक शेर है जी दाता, दाता कहते हैं गंज बख्श कहते हैं गंज गंज कहते हैं ख़जाने को फ़ारसी में ख़जाने बख्शने वाला इन फ़ालकुल नवा, ये कोई कर सकता है अल्लाह के सिवा बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है कोई और कर सकता है ये वो ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है ये है अल्लाह फन्ना फ़कून तुम कहाँ बहकाए जाते हो तुम कहाँ चल पड़े मनते मुरादे मांगने के लिए अल्लाह तो तुम्हें इस आयात कौनिया में नज़र आएगा ये जो गुठली फटती है और उसके अंदर से वो एक ग्रीन सा एक वो सुई की नुमा एक वो निकलती है चीज़ और उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो ज़मीन को फाड़ लेती है वो सुबह की सफ़ेदी निकालता है और उसने रात को सुकून का बायस बनाया और सूरज और चांद को वक्त के हिसाब का ज़रिया बनाया ये सब बहुत ज़बरदस्त खूब इल्माले का अंदाज़ा है और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए से खुश् और तरी के अंधेरों में राह पाओ नेविगेशन के लिए सितारों की पोजीशन बड़े अरसे इस्तेमाल की गई है आज भी कुछ जो उलमा है वो ये कहते हैं कि हम ये जो कैलेंडर्स पर तो बहुत ज़्यादा हम रिलाई करने लग गए हैं ना कैलेंडर में है कि इतने बज के इतने मिनट पर इतने बज के इतने मिनट पर बहरहाल हमारी एक मजबूरी है कि हम अब बहुत सी ऐसी चीज़ों को ूम को छोड़ बैठे हैं ना तो आज भी वो कहते हैं कि सूरज को और इनको सितारों को देख कर जो वक्त का तयन करने की एक्यूरेसी है ना वो हमें अपने अंदर हमारे एक्यूमन होना चाहिए कि हम आसमान को देख कर अंदाज़ा लगा लिया करें कि इस वक्त अब आ, क्या किस नमाज का टाइम है और क्या वक्त है और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए से खुशकी और तरीके अंधेरों में राह पाओ बेशक हमने अपनी आयतें अहले इल्म के लिए खोल कर बयान करनी हैं ये इल्म है ना तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी फिर अहिल इल्म को ही एक तम्बी की है और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया चुनाचे हर एक के लिए एक जाय करार है और एक जाय अमानत हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो समझ रखते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा अल्लाह ताला के लिए आ, कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला उसके घर को भी जानता है और अल्लाह ताला आज ही ये जानता है कि हम में से हर किसी ने किस कब्र में सौंपे जाना है वो कौन सा ज़मीन का मकाम है कि जो हमारा मुस्तर बनना है और वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया फिर हमने उसके ज़रिए से हर किस्म के नबाता पैदा किं फिर हमने हरी भरी खेतियाँ उगाईं जिनसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के शगुफ़े से फल के गुच्छे पैदा किए जो बोझ से झुके जाते हैं और अंगूर जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मगर हर एक की खसूसियात जुदा जुदा हैं ये द्राक्ष जब फल देने लगते हैं तो उनके फल देने और उनके पकने की हालत को देख कर गौर करो ये क्या है ये कौन सा फील्ड है साइंस का बॉटनी एग्रीकल्चर ठीक है बॉटनी कि आप प्लांट्स नबाता वेजिटेशन को देखें उसके बीज के डलने तक उसके फल का पहले फूल निकलते हैं फूल का रंग बिल्कुल फ़र्क होता है और फिर उसी फूल से जब वो फल निकलता है तो उसका रंग उसकी खुशबू उसका जायका बिल्कुल फ़र्क होता है इस पर ग़ौर करो बेशक इनमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला ने ये कायनात कायन रंग बनाई नबातात का इसमें बहुत हाथ है कहीं ग्रीन है कहीं आप दरख्तों के आप फूल देखें आप फल देखें आप ग्रीन के शेड्स देखें पत्तों के रंगों के शेड्स देखें फिर आप फॉल जो ख़िज़ा का महीना मौसम होता है उसमें देखें किस तरह से ये पत्ते जो हैं ये फ़र्क फर्क रंगों के हो जाते हैं फॉल के कलर्स कितने खूबसूरत होते हैं कई लोग जो है ना वो बकायदा उन इलाकों में जाते हैं वीकेंड गुजारने या वेसन जहाँ पर फॉल हो रही हो आ, आपके तो अपने मुल्क में इस में नवंबर में लोग फॉल देखने के लिए जाते हैं बहुत ख़ूबसूरत फॉल होती है वहाँ पर भी इसी तरह दुनिया में कई जगहों पर फिर इसी तरह से आप आ, फलों पर गौर कीजिए फलों के पकने पे गौर कीजिए एक एक दरख़त के फल का जायका फ़र्क निकल आता है एक एक दरख्त के फल का थोड़ा थोड़ा सा रंग भी बाज़ात फ़र्क निकल आता है इसी तरह से जब ये जो दाना है ये फटता है इसमें से जो कोंपल निकलती है उस पर गौर कीजिए अल्लाह सुबहान ताली ने पत्तों की जो किस्में बनाई हैं मुख्तलिफ़ जो अ, अ, क्लाइमेट्स और वेदर्स होते हैं उनमें र हर जगह सहरा में जो दरख्त हैं उनके पत्तों की शेप फ़र्क है उनके पत्तों की शेप ऐसी है कि जो वहाँ के लिए ज़रूरी है वो नीडल लाइक बारीक उनके आगे वो चीज़ क्यों होती है इसलिए कि उनको पानी अपने अंदर प्रिजर्व करने के लिए वही शेप दरकार है बाज़ नमकीन पानी वाले पौधों के पत्ते होते हैं सहराई पौधों के पत्ते होते हैं पानी जहाँ पे वाफर है वहाँ के पौधों के पत्ते फ़र्क होते हैं फिर पत्तों का अपना पूरा एक नर्वस सिस्टम है जिसके तहत वो सारा नरिशमेंट जो है जो उन तक पहुँचता है अब ये जहानत कहाँ से आई है ये क्या दरख्त की अपनी ज़ानत है या ये सेल के अंदर जिससे वो पूरी चीज़ बनी है उसकी जहानत है या ये ज़मीन की जहानत है कि किस दरख्त को कौन सा न्यूट्रियट पहुँचाना है क्या ये ज़मीन कर रही है या ये महज़ इतफ़ाक़ है ये खुद ब खुद हो रहा है या ये एक अजीम खालिक की तख्लीक़ का नतीजा है कोई भी अक्ल खिरद रखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये सब कुछ खुद बखुद हो रहा है या ये पौधे खुद ब खुद कर रहे हैं सहरा में पौधे होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि उनकी जड़ों ने किस डायरेक्शन में फैलना है जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हासिल कर सकें ये कौन बताता है उनको फिर क्या हमें पता है कि पौधों में जीन्स भी होती हैं एंजाइम्स भी होते हैं हारमोन्स भी होते हैं इनके अंदर रोशनी का इदराक भी मौजूद होता है इनके अंदर चखने की हिस्स भी मौजूद होती है इनके अंदर छूने की हिस्स भी मौजूद होती है आपने वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ा हुआ होगा वो जो एक फूल है कि जिसके ऊपर जब वो आके कीड़ा या कोई मक्खी या कोई चीज़ बैठती है तो वो उसको फ़ौरन ट्रैप कर लेता है बीफ ईटर है वो प्लांट सो ये अल्लाह सुबहाना का बहुत बड़ी कुदरत का एक निज़ाम है कि जिस पर अगर हम ग़ौर व फ़िक्र करें तो हमें किसी और मुज़े की ज़रूरत ना रहे और उस पर भी लोगों ने जन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया हालांकि उसी ने तो उन्हें पैदा किया है और उन्होंने बग़ैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां घर लिए वो पाक है और इन बातों से बुलंद है जो वो बयान करते हैं वही आसमानों और ज़मीन का मूजद है उसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और वही हर चीज़ को खूब जानने वाला हैल्लाबुम लालाकुल्ल शैन फ़ाबदो वाह अलाकुल्ली शैन لا ला الابصار अबसार वह الابصار वह वल्लीफ़लबीर ये है अल्लाह तुम्हारा रब उसके सिवा कोई मबूद नहीं वही हर चीज़ को पैदा करने वाला है लिहाजा तुम उसी की इबादत करो और वह हर चीज़ पर निगरान है उसकी हकीकत को निगाहें नहीं पा सकती और वो निगाहों की हकीकत को पा लेता है और वो नहायत बारीक बीन बहुत बाबर है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से वाज दलीलें आ चुकी हैं चुनाचे जिसने बसीरत से काम लिया तो उसके अपने फ़ायदे के लिए है और जो अंधा बना रहा उसका वबाल उसी पर है और कह दीजिए कि मैं तुम पर मुहाफ़ नहीं हूँ और हम आयत को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम इस हकीकत को वाज़ कर दें ए नबी सल्ला वम आप इस वही की पैरवी करें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है उसके सिवा कोई मबूद नहीं और मशरकिन की तरफ ध्यान न दें और अगर अल्लाह चाहता तो शिरक़ न करते और हमने आपको उन पर मुहाफ़ नहीं बनाया और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं और मशरकिन अल्लाह को छोड़ कर जिन्हें पुकारते हैं तुम उन्हें गाली मत दो फिर वो भी जहालत में हद से गुजरते हुए अल्लाह को गाली देंगे इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल में कशिश पैदा कर दी है फिर उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है फिर वो उन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करते रहते थे और उन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता कस्में खाई कि अगर उनके पास मखसूस निशानी आ जाए तो वो उस पर ज़रूर ईमान ले आएंगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए निशानियां तो सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं और तुम्हें ये बात कौन समझाए कि बेशक जब वो निशानी आ जाएगी तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे और हम इसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर देते हैं जिस तरह ये पहली बार इस क़ुरान पर ईमान नहीं लाए थे और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देंगे अब्दुल्ला बिन अमर रदी इन्होंने से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि तमाम बनी आदम के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरम्या हैं कल्ब वाहिद की तरह वो उन्हें जैसे चाहे फेर देता है फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई अल्ला मुशर्रफ़लकलू बशर्रफ़ क्लू बना अला ता ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह हमारे दिलों को अपनी इताद की तरफ फेर दे आमीन सुब आमीन अल्ला सुबहान हमारे दिलों को अपनी इताद पर साबित कदम रखे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि हमें हमारे नफ्स के हवाले एक पलक झपकने के लहजे के लिए भी ना करे सुबहानक अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अतूबु इलैक